सर राशिद का पहले देखना था, तो उसके अंदर ना सर राशिद के लिए मतलब मेजर जो पार्ट है वो है ही मेरे पास बीम कॉलम्स का। जो स्टील के लिए मैम का भी पार्ट है, पर वो मैम कहती है सिर्फ थ्योरी आएगी। जो मेरे पास राशिद का पार्ट है उसके अंदर जो मेजर पार्ट है वो मेरे पास बीम कॉलम का ही है। जो छोटा सा एक न्यूमेरिकल शॉर्ट में आ सकता है या फिर आपका उसमें आ जाए क्विज में आ जाए दो तीन मार्क्स का, मेरे पास है ये बेस प्लेट का। बेस प्लेट में सिर्फ हमने ना अभी तक एक्सियल की है, तो मोमेंट वाली नहीं की, मगर शायद उसकी ना डेरिवेशन देख लेना। डेरिवेशन उसकी सर ने करवाई हुई, तो डेरिवेशन की हफ्ता आते न्यूमेरिकल है वो सिर्फ एक्सियल रोटेट करवाया, तो फिर वो बस मैंने कहा था एक्सियल ही आएगी। मेजर है हमारे पास बीम कॉलम ही है, इसका एक लंबा काम। तो बीम कॉलम है क्या? बीम कॉलम, अच्छा हमें बताया कि जो बीम है उसके ऊपर जो मेजर फोर्सेस, जो हमारे पास मेन जो फोर्सेस होती हैं वो होती हैं हमारे पास शीयर और बेंडिंग मोमेंट। ये दोनों चीज़ें हमारे पास ना बीम के ऊपर बीम के लिए काफ़ी ये सिग्निफिकेंट है। जो कॉलम है उसके लिए जो हमारे पास मेजर फोर्स है वो हमारे पास एक्सियल है। अगर हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट कॉलम है तो उसके लिए जो फोर्स आएगी सिर्फ वो हमारे पास है कॉलम ये एक्सियल फोर्स है। अगर जो हमारे पास जो रियल सिनेरियो क्या होता है कि जो हमारे पास कॉलम है वो बेंडिंग मोमेंट को भी उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट भी आता है। तो जो हमारे पास जो कॉलम है वो सब्जेक्टेड है एक्सियल लोड पे भी और मोमेंट के लिए भी दोनों। तो मोमेंट को हम कहेंगे कि जो हमने जो मोमेंट के लिए डिज़ाइन करना है हमसे, ये जो लेक्चर है ये सिर्फ आपने बीम कॉलम के लिए रखा है या बेस प्लेट के लिए या फिर वो सर इरफान का भी होगा? राशिद का सारा, उसके बाद फिर अगर थोड़ा सा बचा का टाइम तो फिर वो ठीक है। ठीक है तो मोमेंट हमारे पास क्या आएगा? जो मोमेंट का हम डिज़ाइन करते होते हैं हम उसको कैसे करेंगे? बीम के तौर पर। जो एक्सियल फोर्स करेंगे वो हम करेंगे कॉलम के तौर पर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर है कहेंगे हम बीम कॉलम। ये दोनों हमारे पास शो कर रहे थे बीम के भी और कॉलम के भी। तो इसके बाद सर ने पढ़ाया था कि सोर्सेज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होती हैं। ये हमारे पास ये कॉलम पे बेंडिंग मोमेंट आता कहाँ से, सोर्सेज ऑफ बेंडिंग मोमेंट? तो वो सिंपल है कि एक हमारे पास पहली चीज़ हो सकती है कि हमारा जो कॉलम है असल में तो इस तरह बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल होना चाहिए, और जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो थोड़ी सी टेढ़ी होगी। जो सेंटर लाइन से कॉलम शिफ्ट हुआ है इसकी वजह ये सेंसिटिविटी आ गई है लोड के ऊपर, तो इससे पी इंटू ई जो हमारे पास मोमेंट जनरेट होगा वो होगा पी इंटू ई फोर टाइम सेंसिटिविटी। ये हमारे पास है कि बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल हमने कॉलम खड़ा नहीं किया। दूसरा हो सकता है कि हमारे पास ना कि इनिशियली जो कॉलम था वो था या फिर एग्जाम्पल ड्रॉ करता अगर हमारे पास ना इनिशियल इम्परफेक्शन है या इनिशियल क्रूकेडनेस है कॉलम के अंदर, और जो लग रहा है पी वो तो थोड़ी सी उसके अंदर भी सेंसिटिविटी आ जाएगी, तो हमारे पास ये बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तीसरा हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉलम जो कॉलम है सपोज करो इस तरह कॉलम है, ये थोड़ा सा उसके अंदर से ना पार्ट हमने पाई की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है, इसे कहते हैं ब्रैकेट। अगर हमने कोई बीम रेस्ट करवाई हुई है इस ब्रैकेट के ऊपर इस तरह, तो बीम का जो लोड है सारा ट्रांसफर वो इस ब्रैकेट के ऊपर होगा, तो ये कॉलम के सेंटर लाइन से काफ़ी दूर है, तो इससे काफ़ी हाई बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। तो ये तीसरा है हमारे पास के सोर्स। चौथा हम कह सकते हैं कि चौथा था कि सपोज करो हम कॉलम खड़ा हुआ है उसके ऊपर लेटर लोड लग रहा है, तो लेटर लोड की वजह से सारा बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, ये कॉलम को किस तरह टर्न करने की कोशिश करेगा तो ये पूरा बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगा। इसके अगर हम रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो सपोज करो विंड का इधर रिजल्टेंट आएगा और ये इतनी सेंसिटिविटी पैक्ट कर रहा है, तो ये काफ़ी बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगा। इस तरह एक और भी था वो देख रहे हैं, अब याद नहीं आ रहा, चार पांच सर ने लिखवाए थे ये बेंडिंग मोमेंट्स ये क्यों आते हैं।
इसके बाद हाँ सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट क्या है, ये एमसीक्यू है थोड़े बहुत, सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट हमारे पास क्या होता है। सपोज करो हमने ना कॉलम, ये बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल है, हमने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया पी, तो उसकी वजह से हमारे पास कॉलम होगा डिफ्लेक्ट, उस कॉलम इस तरह डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो हमारे पास लोड था वो तो इस तरह वर्टिकल ही है। अगर अब तो थोड़ी सी इसके अंदर जो सेंसिटी आ गई, तो ये जो हमारे पास पी इंटू ई सेंसिटी है, पहले हमारे पास था लोड पी, उससे हमारे पास हमने जब एनालिसिस किया तो हमने पी बस पी को लेकर किया, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस, कि हमने सिर्फ ये एक्चुअली लोडेड कॉलम को ना कंसिडर करके हमने उसको एनालिसिस किया, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस आ गया। अगर उस फर्स्ट ये जो पी से ना डिफ्लेक्ट थोड़ा सा कॉलम डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा इधर, एम इज इक्वल टू पी इंटू वी, तो इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से हमारे पास कॉलम के ऊपर लोड बढ़ रहा है, क्योंकि पहले लोड पहले सिर्फ एक्सियल लोड था, अब बेंडिंग मोमेंट भी आ गया, तो डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे जब हम पी और एम को दोनों कंसिडर करेंगे, तो उसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर चांसेस। ये हमने पहले तो सिर्फ एक्सियली लोडेड कंसिडर किया था, मगर अब हमने ना उसके अंदर जो एक्सियल लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ है, हम उसको भी एनालिसिस में कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस। इसे हम ना पी डेल्टा भी कहते हैं, ये पी डेल्टा, क्योंकि ये जो असल में मूवमेंट क्या है, ये मूवमेंट है पी इंटू डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन अगर हम ई की जगह डेल्टा कह दें तो पी इंटू डेल्टा, इसे हम कहते हैं पी डेल्टा इफेक्ट। अच्छा, अगर हमारे पास कॉलम खुद ही ये कॉलम के अंदर डिफ्लेक्शन हुई है, हम उसे कहेंगे स्मॉल डेल्टा से, इसे कहते हैं पी डेल्टा छोटा डेल्टा। तो सपोज करो पूरी ये स्टोरीज में डिफ्लेक्शन हो गई है, ये जिसे हम स्वे भी कहते हैं, वो कैपिटल डेल्टा से डिनोट करेंगे, तो ये हमारे पास इफेक्ट होगा पी डेल्टा कैपिटल डेल्टा, और ये वाला हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइड पे वाला, ये ज़्यादा क्रिटिकल होगा, उससे वाला छोटा सा इफेक्ट होता है। ठीक है, ये पी डेल्टा हो गया, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर वगैरह मोमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद हमने इंट्रैक्शन इक्वेजन पढ़ी थी, इंट्रैक्शन इक्वेजन, इंट्रैक्शन इक्वेजन सिंपल, उसकी छोटी सी दो तीन लाइनों के पीछे डेरिवेशन भी है। तो जो हमारे पास सिंपल इक्वेजन हो गया, हमारे पास पी ओवर पी मैक्सिमम प्लस एम एक्स ओवर एम एक्स मैक्स प्लस एम वाई ओवर एम वाई मैक्स लेसर इक्वल टू वन होना चाहिए। ये हमारे पास पी जो अप्लाइड लोड है, ऊपर है अप्लाइड लोड, ये एम एक्स हमारे पास अप्लाइड मूवमेंट है, एम वाई हमारे पास अप्लाइड इन वाई डायरेक्शन आउट वाई डायरेक्शन है, एम एक्स हमारे पास अप्लाइड मूवमेंट अबाउट एक्स, पीछे हमारे पास पी मैक्स एम मैक्स और एम वाई मैक्स, ये हमारे पास सेक्शन की कैपेसिटीज हैं, ये मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है हमारे पास एक्चुअली लोडेड के तौर पर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना वो सस्टेन कर सकता है एक्स में और वाई में, तो ये जो सारी कैपेसिटीज हैं तो इनका रेशियो ले लो उनके अप्लाइड लोड किससे, तो जो हमारे पास इंट्रैक्ट ये इसका आंसर ना अगर वन से कम है तो हमारे पास सेफ है, अगर वन से ग्रेटर है तो हमारे पास अनसेफ हो जाएगा, वाला एक बार डिज़ाइन करना पड़ेगा इसको। वो लिखते हैं हमारे पास दो किस्से बनते हैं, एक पी आर ओवर पी सी लेस देन 0.2, पी आर वही चीज़ है ये अप्लाइड लोड, और पी सी हमारे पास सेक्शन की कैपेसिटी, इसको बस नाम चेंज किया है। तो पी आर और पी सी अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू 2 हो, तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो पी आर ओवर पी सी प्लस 8/9 एम आर ओवर एम आर एक्स प्लस एम वाई एम आर एक्स और एम आर वाई और एम सी वाई, ये एम आर एक्स ओवर एम सी एक्स था और एम आर वाई ओवर एम सी वाई, ये लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि पी आर और पी सी लेस देन इक्वल टू 0.2, ये मतलब पी आर हमारे पास और ये हमारे पास ना ग्रेटर था ग्रेटर इक्वल टू 0.2। अगर हमारे पास पी आर और पी सी के पी आर हमारे पास अगर देखो ग्रेटर का मतलब क्या है कि हमारे पास न्यूमेटर बड़ा है, जब हमारे पास अप्लाइड एक्सियल लोड ग्रेटर है इन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट्स, मोमेंट्स कम है मगर एक्सियल लोड ज़्यादा है, तो हम इसलिए हमने ना ये फॉर्मूला यूज़ किया है।
8 और 9 से हमने मोमेंट्स को रिड्यूस कर दिया और ये मोमेंट्स इतने इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें अप्लाइड लोड ज़्यादा लग रहा है। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पी आर ओवर पी सी लेस दैन 0.2। इसमें देखो तो लेस दैन 2 का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू छोटी है, पी आर जो अप्लाइड लोड है वो छोटा है, तो इसका मतलब ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो भी हम इस तरह लिखेंगे, पी आर ओवर 2 पी सी, मतलब हमने पी आर और पी सी को 2 पर डिवाइड कर दिया, हमने उसको हाफ कर दिया, मतलब हम कह रहे हैं कि ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। एम आर एक्स ओवर एम सी एक्स प्लस एम आर वाई ओवर एम सी वाई लेस दैन इक्वल टू 1.0। इसमें देखो हमने यहाँ पर ना कोई फैक्टर नहीं लगाया, मतलब हमने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस वाले टर्म को, इधर इस टर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, तो उसको देख कर कि हमारे पास लोड ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इंट्रैक्शन इक्वेजन, ये सारी इंट्रैक्शन इक्वेजन थी, बस हमने ये यूज़ करना है, बाकी वो जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास उधर गिवन भी हैं डायरेक्टली में। तो एग्जांपल पर आते हैं, सपोज ये एग्जांपल है 5.1, तो कह रहा है कि डिज़ाइन कॉलम है सिंगल बे मल्टी स्टोरी, ये हमारे पास कॉलम ये है, इसको मैं गैस ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये ऊपर भी कॉलम जा रहे हैं, सिंगल स्टोरी नहीं है, और हमारे पास इनकी लेंथ है 6 मीटर और वो है 8.5 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है 8.5, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.4 आई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 आई है, कॉलम का बीम का 1.4 है, कॉलम का 1 है, लोड लग रहा है ऊपर हमारे पास पी पी, और यहाँ पर हमारे पास यू टी एल भी लग रहा है, यू टी एल भी लग रहा है, और हमारे पास पॉइंट लोड इधर लग रहा है, पॉइंट लोड इधर लग रहा है, पी डी हमारे पास है 1025, पी डी इज इक्वल टू 1025, पी एल 410, मेगा डी मेगा एल और एच, ईच में तो हमारे पास विंड लोड है 7.322 और 345, 7.322 और 345, ये आपका सारे लोड है, ये हमें ना क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये सारे लोड्स हैं, वो कह रहा है हमारे पास अनब्रेस्ड फ्रेम है विद एफ आर, एफ आर मतलब फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ये कोई फ्रिक्शन नहीं है कनेक्शन के अंदर, पी लोड फ्रॉम टॉप स्टोरीज है, ठीक है, रेशियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह हमने 1.41 बताया हुआ है, नेसी रिजल्ट्स आर शोन इन दिस स्टेज, अच्छा ये देखो अज्यूम स्वे इज नॉट अलाउड इन वाई डायरेक्शन, देखो हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, ये सपोज करो हमारे पास इस तरह ना कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम है, इसका हमारे पास एक डायरेक्शन होगी एक्स, दूसरी डायरेक्शन होगी वाई, इसी डायरेक्शन होगी जेड, वो हमारे पास वर्टिकल है, ये जी है, ये सपोज करो इस तरह हम ले लेते हैं एक्स, इस तरह हम ले लेते हैं वाई, तो की तरफ तो जी है हमारे पास, ये एक्स है ये वाई, तो हमारे पास तीन डायरेक्शन है असल में कॉलम की, जी को इग्नोर करो हमारे पास ब्रेसिंग एक्स और वाई में होती है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है हम उसे कहते हैं मेजर एक्सिस, ये मेजर या स्ट्रॉन्ग वगैरह जो भी लिखा हो तो इसका मतलब एक्स एक्सिस होगा, जो हमारे पास वाई है वो हमारे पास माइनर या वीक एक्सिस है, जब भी हम कोई भी सेक्शन प्लेस करते हैं वो इस तरह प्लेस करते हैं कि ये सपोज करो आई सेक्शन है, इसका मेजर एक्सिस एक्स ये है, ये स्ट्रॉन्ग एक्सिस है, माइनर एक्सिस वाई है, वो हमारे पास ये इस तरह होता है, तो अगर हमने ये आई ये एक्स डायरेक्शन हमारे पास ये इनटू द पेज है, अगर हम इसके मुताबिक सेक्शन प्लेस करें तो हम सेक्शन है इस तरह प्लेस करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन है उसकी वो अलोंग एक्स ही हो, और जो वाई डायरेक्शन है वो इस तरह वाई के अलोंग ही, ई डायरेक्शन तो ऊपर है वो उसको नहीं हमें देखना, तो इस तरह हमारे पास एक्स और वाई डायरेक्शन है, तो वो कह रहा है कि वे इज नॉट अलाउड अबाउट वाई डायरेक्शन, अबाउट वाई, एक हमारे पास सी होती है अबाउट, दूसरी चीज़ होती है हमारे पास लॉन्ग, अगर हमारे पास ये एक्सिस है इस तरह, ये एक्स एक्सिस है वाई, तो अबाउट वाई का क्या मतलब है कि वाई के अबाउट इस तरह, इसका क्या मतलब है अलॉन्ग एक्स,
उल्टी चीज है, अगर लिखा होगा अबाउट वाई उसका मतलब है अलोंग एक्स, अगर लिखा हो अबाउट एक्स उसका मतलब है अलोंग वाई, ये ऑपोजिट कर देना। वो कह रहे हैं हमारे पास वे नॉट अलाउड अबाउट वाई एक्सेस, तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्वे इज नॉट अलाउड अलोंग एक्स। एक ही चीज़ है कि अगर वो कहे कि अबाउट वाई या अलोंग एक्स दोनों का मतलब सेम है, अबाउट और अलोंग, ये ना आपस में ऑपोजिट कर देते हैं। कह रहे हैं स्वे इज नॉट अलाउड अबाउट वाई एंड क्लॉरम इज ब्रेस्ड अबाउट दिस डायरेक्शन, अबाउट देखना अबाउट, तो अबाउट का मतलब क्या है कि ये हमारे पास y डायरेक्शन है, इसके अबाउट मतलब x के लॉन्ग जो ब्रेसिंग होगी वो इस तरह हम ना x के लॉन्ग की होगी। ये जो हमारे पास ये x एक्सिस है तो इसके लॉन्ग ना ये हमारे पास ब्रेसिंग आ गई है। ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ था कि अबाउट y डायरेक्शन, अबाउट y का मतलब है लॉन्ग x, तो हमने ना इसको इस तरह शो करना है ध्यान से। और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि अबाउट y का मतलब है एम वाई, जो मूवमेंट होता है वो हमेशा अबाउट होता है, अबाउट x लिखा होता है एम एक्स होता है, अबाउट y लिखा हुआ तो एम वाई है। तो कह रहा है अबाउट y डायरेक्शन और अबाउट y का एम वाई, और इसका मतलब है कि के वन वाई के टू वाई और एल वाई, ये चीज़ें तीन ना इससे इफेक्ट होंगी स्पेसिंग में, क्योंकि ब्रेस्ड है तो कोई लिटल ट्रांसलेशन नहीं होगी तो हम के टू वाई को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि के वन वाई हमारे पास होता है कि हमारे पास नॉर्मल नो लिटल ट्रांसलेशन, और के टू वाई हमारे पास होगा लिटल ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन हो नहीं रही कोई साइड से नहीं हो रहा तो हम के टू वाई को इग्नोर कर देंगे, और एल वाई को भी हम कर देंगे क्योंकि वो कह रहा है कि ब्रेस्ड एट मिड मिड डेप्थ, जितनी कॉलम की डायमेंशन था कॉलम की डायमेंशन हमारे पास 6 मीटर, तो एल वाई इसका हाफ हो जाएगा 3 मीटर, हाफ साइड पे ना ये एल वाई है, ये कॉलम ना हाफ ब्रेस्ड है अबाउट वाई डायरेक्शन, तो हमने इसको ऐसा कर लिया। उस्ताद उस्ताद यार ये देखो, मतलब उसने कहा है कि मतलब जो मूवमेंट था अबाउट वाई एक्सिस था, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस हमारे ब्रेसिंग है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस ब्रेसिंग है ना, तो जो उसने कहा मिड स्पैन पे जो है वो ब्रेस है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ही ब्रेस है, एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेस है, ठीक है, मतलब वाई के दो पार्ट हो जाएंगे, वाई के दो पार्ट हो जाएंगे, बस ये देखना कि जिसके अबाउट हो वो उसका मोमेंट लेना है तुमने, अबाउट वाई है तो फिर एम वाई लेना है, अबाउट एक्स है तो फिर एम एक्स लेना है, ठीक है, तो फिर इस तरह ना हमने देखना है कि ये वो पेपर में तो उसने दोनों का कहा हुआ था कि दोनों साइड ब्रेस है, तो आसान पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, इधर दूसरा इस तरह ना लंबा हो जाता है, बस देखना है यहाँ पे ना गौर करना है दोनों, अगर दोनों पे ब्रेस हो तो फिर k2x भी जीरो हो जाएगा, k2x भी जीरो हो जाएगा, k2y भी जीरो, अगर उसने कहा हुआ सपोज करो कि जो हमारे पास ब्रेसिंग है वो अबाउट y डायरेक्शन और अबाउट x डायरेक्शन दोनों है, अबाउट y थर्ड पॉइंट्स पर है और अबाउट x हमारे पास है मिड पॉइंट पर, फिर क्या होगा, लेंथ हमारे पास कॉलम की है 6 मीटर, ये देखो अबाउट y उसने कहा हुआ है कि थर्ड पॉइंट्स पर ब्रेस्ड है, इसका क्या मतलब है अबाउट y एम वाई, जब भी अबाउट हो तो उसका मतलब मोमेंट सेम है एम वाई, तो एम वाई से क्या इफेक्ट होगा एल वाई, एल वाई थर्ड पॉइंट से ब्रेस्ड है तो मतलब एल को 3 पर डिवाइड कर दो, एल वाई क्या आएगा 6/3 2 मीटर, अनब्रेस्ड लेंथ इन वाई डायरेक्शन है कि 2 मीटर, ठीक है, अबाउट एक्स है इसका मतलब एम एक्स, एम एक्स क्या है इससे इफेक्ट होगा एल एक्स, मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि एल एक्स क्या होगा वो एल वाई 2 होगा 6/2 मतलब 3 मीटर, इस तरह हमने ब्रेसिंग को लेना है, ठीक है, ये इसमें कोई इशू।
अच्छा अगर सिंपल लिखा हो कि ब्रेसिंग अबाउट एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में आ तो फिर एल एक्स एल वाई वही रहेंगे। अगर ब्रेसिंग अबाउट एल एक्स क्या कह रहे हो, मतलब अगर वो ना बताया हो कि मिड हाइट पे या कहां पे आप ब्रेसिंग, या सिंपल बताया हो कि ब्रेसिंग इज अबाउट एक्स एंड वाई डायरेक्शन, नहीं उसका मतलब है कि फिर ना एंड पॉइंट्स पर ब्रेसिंग है कि वो कॉलम जो है ना उसके पास एंड पॉइंट्स पर ब्रेस्ड है, फिर मैं आनो कहीं भी ब्रेसिंग नहीं है, तो जो एल होगा वही एल एक्स होगा वही एल वाई होगा। ठीक हो गया। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि मिड पॉइंट पर या फोर पॉइंट पर या हर दो मीटर के बाद दिया हुआ है, फिर उसको देख कर एंड पे लेने देनी है, वरना फिर एंड पे उसे, इससे क्या होगा कि इससे हमारे पास लेटरल मूवमेंट्स तो हमारे पास जीरो हो जाएंगे, मगर अनब्रेस्ड लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था। अच्छा ये अबाउट था, अगर सपोज को इसका उल्टा हो, ओके अलोंग वाई और अलोंग एक्स, अलोंग वाई हमारे पास है वही थर्ड पॉइंट पर और अलोंग एक्स हमारे पास है मिड स्पैन पर, तो इसमें क्या होगा, एल वही छः मीटर है। अब याद एक ये देख और ना कि अलोंग है, अलोंग वाई का मतलब क्या है, अबाउट एक्स। ठीक है, अलोंग वाई का मतलब अबाउट एक्स, तो उसका मतलब एम एक्स इधर आएगा, एम एक्स से हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, एल एक्स, एल एक्स के हमारे पास सिक्स बाई थ्री थर्ड पॉइंट पर है तो टू मीटर आएगा। इस तरह अलोंग वाई, अलोंग एक्स का मतलब क्या है, अबाउट वाई, अबाउट वाई मतलब एम वाई, एम वाई से एल वाई आएगा, एल वाई क्या होगा, एल बाई टू, दैट सिक्स बाई टू इज इक्वल टू थ्री मीटर। ठीक है, अगर लॉन्ग का हो तो उसको ना कन्वर्ट कर लो अबाउट में, क्योंकि हमें मूवमेंट चाहिए होता है तो हम मूवमेंट को देखना होता है बस, तो अबाउट इस तरह, ये लॉन्ग अबाउट का ध्यान रखना। ठीक है आगे चलें। तो ये ब्रेसिंग वगैरह हो गई, ठीक है ये ब्रेसिंग हो गई। अच्छा जो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप करना है वो हमने फर्स्ट स्टेप सबसे पहले लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करना है, ये हमने ना दो तो ये जो याद कर लो कि जो नॉर्मल हम लोड कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं वो क्या होता है 1.2 डेट प्लस 1.6 लाइव, ये हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं। एक LC2 जो हमारे पास विंड के लिए आता है वो होता है 1.2 डेट प्लस 0.5 लाइव प्लस 1.3 विंड, ये विंड के लिए आ गया, ये दोनों याद कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है। बाकी अगर कोई और मेंशन होगा तो सर कह सके कोई डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन है तो पेपर में मेंशन होगा, मगर ये दोनों याद होने चाहिए क्योंकि ये हमने पेपर में किया। और वैसे ना अगर थोड़ा सा वो फैक्टर सेफ्टी के लिए जो सर ने तीन लोड कॉम्बिनेशन लिखवाए हैं हमारे पास ना, ये डिज़ाइन जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डिज़ाइन था स्टील फ्रेम बिल्डिंग का, तो वो भी उसमें भी एक पहला तो यही है, ये फैक्टर बस ये 1.2 डेट प्लस 1 लाइव है, ये थोड़ा सा ये डिफरेंस है, तो ये याद कर वो भी देख लेना तीनों, ताकि पेपर में अगर ना भी उतारा हो तो बंदा किसी ना किसी से कर ले। ये लोड कॉम्बिनेशन हैं तो हमें 1 यूज करेंगे या 0.5 ही फिर यूज करें, 0.5 ही यूज करो क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है तो 0.5 ही है ना बुक के, अगर वो स्पेसिफिकली सर ने मेंशन किया है 1 तो फिर 1 करेंगे। ठीक है तो ये हमारे पास लोड कॉम्बिनेशन 1 2, सबसे पहले हमने क्या करना है कि लोड कॉम्बिनेशन 1 के लिए PU डिफाइन करना है, वो अगर पास 1.2 PD प्लस 1.6 PL, इस तरह ओमेगा U किया गया 1.2 ओमेगा D प्लस 1.6 ओमेगा L, ये हमारे पास दो हमारे पास ये ग्रेविटी लोड्स आ गए। तीसरा हमने डिफाइन करना है नोशन लोड, वो क्या आएगा हमारे पास 0.002 अल्फा YI, अल्फा LRFD के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये होगा हमारे पास 1, और ASD के लिए हमारे पास होगा 1.6, YI हमारे पास है टोटल ग्रेविटी लोड, तो जितना टोटल ग्रेविटी लोड आ रहा है वो हमने ना यहाँ पे यूज करना है। यार ये बताएं ये जो नोशनल लोड है एक जगह हम अगर ड्रिफ्ट हमारे पास गिवन है डेल्टा एच ओवर एल तो उसके कंडीशनल केसेस में ना तो 0.006 भी यूज किया हुआ है। हाँ ये देखो ना अगर उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये 0.002 कहाँ से है,
हम जब हमारे पास कॉलम इस तरह है ना, असल में हम कंसीडर कर रहे हैं कि कॉलम ना अपनी तरफ से ज्यूम करें कि इनिशियली क्रूक्ड है और कितना क्रूक्ड है वो है 1/500 ठीक है तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर सकता है कि असल में हमने इनिशियल क्रूक्डनेस पॉइंट ये नहीं लेने, हमें कोई 1/2 लेनी, ये वैल्यू डिफरेंट हो जाए। सही, अगर मेंशन हुआ क्रूक्डनेस तो इसका मतलब हम फिर वो वाली जो लेंगे उसकी कंडीशन जो है वो उसको कंसीडर करके हम उसमें नॉर्मल लोड में लेंगे। हां हां बिल्कुल, ये चीज ना बस ठीक याद नहीं रहता। ओके कोई बात। तो ये पीडीपीएल हमारे पास आ गए, पहले इनको यूज करो, मेगा डी मेगा एल को यूज करो, इनसे वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास पीयू और इसकी। तो जो भी वैल्यू आएंगी, जो हमारे पास ये नोशनल लोड में वाई आई आएगा, वाई आई क्या होगा, ये हमारे पास ये जो हमारे पास कॉलम है इसके ऊपर दो लोड लग रहे हैं और एक हमारे पास ये क्या नाम है इसे कहते हैं यूडीएल लग रहा है। तो हमें नोशनल लोड में ना इसको यूज़ करना है, यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर लोड आए जो हमने फैक्टर निकाले हैं वो वाले यूज़ करने हैं। वाई आई क्या होगा, 2 × PU + ω U × 8.5 meter था, तो 8.5 आ गई जितनी भी लेंथ थी उसकी। तो इससे ना हमारे पास वाई आई आती है, इससे ना हमने सिर्फ ग्रेविटी के लिए करना है। इसके बाद लोड कॉम्बिनेशन टू, तो लोड कॉम्बिनेशन टू के लिए हमने ना ये करना है, तो ये हमारे पास ना ग्रेविटी लोड किया 1.2 dead + 0.5 PU = 1.2 PD + 0.5 PL, मेगा यू हमारे पास होगा 1.2 ω D + 0.5 ω L, और लास्ट हमारे पास क्या है, अच्छा तीसरा हमारे पास है ये विंड का फैक्टर लोड, वो होगा हमारे पास 1.3 H जितने भी विंड थे। ये तीन हमने निकाल लिए लोड कॉम्बिनेशन के थ्रू। चौथा हम जो करते हैं वही चीज़ हमने करनी है, नोशनल लोड तो हमारे पास होगा 0.002 जो भी। यार ये अगर यूडीएल ना हो तो फिर ये वीडियो मेगा यू वाला ये वाला नहीं लगाना फार्मूला हमने, नहीं फिर नहीं लगाना, तो फिर सिर्फ पीयू वाला लगेगा। हां पीयू देख के, मतलब जो जो लोडिंग कंडीशन हो ना उसको देख के यूज करना है। अगर पीयू वाला ऐसा नहीं होगा, मगर अगर पीयू वाला होगा तो मूवमेंट आएगा नहीं कोई, वो सिंपल डायरेक्ट एक्सियल आ जाएगा ना, हम बीम को डिजाइन करें इसमें तो मूवमेंट आना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया वाई आई, इसमें फिर क्या होगा, वाई आई में वही चीज़ हमें यूज़ करनी है, 2 × PU + ω U × 8.5 PU ये वाला यूज़ करना है और ओमेगा यू ये वाला यूज़ करना है। इसमें एच नहीं यूज़ करना क्योंकि ये हमारे पास है वाई आई ग्रेविटी लोड, सम ऑफ ऑल ग्रेविटी लोड्स, तो ये तो लेटरल लोड है एच यू, तो लेटरल लोड को हमने इसके अंदर यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे लोड कॉम्बिनेशन से वैल्यूज। ऐसे ये वैल्यूज गिवन ही होंगी, हमने पेपर में इतना लंबा क्वेश्चन 30 मिनट 15-20 मिनट में इतना क्या होना है, तो 10 मिनट में सर मैम ब्रेन का भी तो आना है पार्ट। तो दूसरा काम करना है हमने ना, ये हमारे पास ये लोडिंग तो आ गई है, हमने इधर जा कर ना इसके थ्रू सारे वो देखने हैं फ्रेम्स, कि हमारे पास फ्रेम कौन सा है, ये हमारे पास आ गया फ्रेम। तो अगर हमारे पास सिंपल यूडीएल है तो इसके लिए हम फ्रेम वन यूज़ करेंगे, बस ये यूडीएल के लिए हमने फ्रेम वन यूज़ करना है। अगर हमारे पास विंड है जो हमारे पास एज अ यूडीएल एक्ट कर रही है, विंड एज अ यूडीएल, तो हम फ्रेम टू यूज़ करेंगे, विंड यूडीएल तो फ्रेम टू। और इस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास विंड पॉइंट लोड ये तौर पर एक्ट कर रही थी, उसके लिए हम फ्रेम सिक्स यूज़ करेंगे ये वाला। तो बस ये याद कर लेना कि पेपर में ढूंढने का टाइम नहीं होता, तो विंड पॉइंट लोड या फिर नोशनल लोड दोनों के लिए हमने फ्रेम सिक्स यूज़ करना है, विंड पॉइंट या फिर नोशनल, तो फ्रेम सिक्स यूज़ कर लिया। तो हमने असल में क्या करना है, इनसे क्या फाइंड करना है, एक हमने एम ए फाइंड करना होता है, एक हमने एम बी फाइंड करना है, एक हमने वी ए फाइंड करना है, हर केस में ना एम ए एम बी और वी ए। तो जो हमारे पास के एन एन वन एन टू ये सब फ्रेम के लिए सेम है, एक देखो ना सब के लिए सेम है, तो किसी एक के लिए फाइंड कर लोगे तो सब में वैल्यू चल पड़ेंगी,
मतलब पहले के लिए तुमने फाइंड कर लिया तो फ्रेम 6 में वही आ रहे होंगे, फ्रेम 2 में वही आ रहे होंगे जो पहले में आ रहे थे. और बस एम ए एम बी इसके लिए निकालो और इसके लिए बी ए निकालो, तीन चीज़ें. और ये स्पोर्ट्स का भी ध्यान रखना है ना कि अगर हिंज दिया हो तो फिर नीचे वाला देखने हैं. हाँ 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 ये भी जनता को बता दो. अग्री है हमारे पास फिक्स स्पोर्ट के लिए. अगर हिंज के लिए तो फॉर्मूले ये हैं बस, के के वन के एन एन वन एन टू सेम होंगे बस, ये हमारे पास ना ये डिफरेंट होगा. फोर्सेस क्या है, फोर्सेस के फॉर्मूले तो हमने एल सी वन, उसके लिए हमें देखना है कि हमारे पास पहले देखना है कि हमने एल सी वन में हमारे पास क्या था, ग्रेविटी लोड और नोशनल. हमारे पास दो थे ना, ग्रेविटी तो था ही था, नोशनल हमने खुद डाला था. तो ग्रेविटी के लिए हमने पहले देखना है कि एम ए एम बी और वी ए तीनों हमने ग्रेविटी के लिए निकालने हैं जो फ्रेम वन से आएंगे. फिर तीनों हमने नोशनल लोड के लिए निकालने हैं, एम ए एम बी और वी ए, वो आएंगे फ्रेम सिक्स से. तो इस तरह ना हमारे पास ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए दो दफ़ा हमें ना एनालिसिस करना पड़ेगा. एल सी टू में हमारे पास है ग्रेविटी, विंड और नोशनल, तीन है, हमें तीन एनालिसिस करने पड़ेंगे ग्रेविटी के लिए, एम ए एम बी और वी ए, नोशनल के लिए एम ए एम बी और वी ए, और विंड के लिए एम ए एम बी और वी ए, तीनों. तो ये फ्रेम ग्रेविटी वाला फ्रेम हमारे पास आएगा वन से, नोशनल वाला सिक्स से आएगा, विंड क्योंकि पॉइंट लोड है तो हमारे पास सिक्स से आएगा. अगर विंड यूडीएल के तौर पे एक्ट करी होती तो हमने फ्रेम टू यूज़ करना था, जिस तरह हमारे पास डिज़ाइन एग्जाम्पल डिज़ाइन प्रॉब्लम में. तो इस तरह ना हमने सब केसेस में ना एम ए एम बी वी ए निकाल लेना है, और इनके साइन को इग्नोर करना है, जो हाइएस्ट वैल्यू होगी एम ए और एम बी में से वो सिलेक्ट करनी है, वी ए तो वैसे ही होगा, साइन को इग्नोर कर देना बस. इसका ना एनालिसिस करना, ये हमारे पास सेकंड स्टेप के हमने ना एनालिसिस कर दिया. हमजा एम सी और एम एम डी वगैरह का कोई चेक नहीं, एम सी और एम डी असल में ना सेम वैल्यूज होंगी, एम ए एम डी एम ए होगा, एम सी एम बी होगा, बस साइन डिफरेंट हो गए और कुछ मसला नहीं इनका. सही है, ठीक है. तीसरा हमारे पास है ये कैलकुलेशन ऑफ के वैल्यू. मेरी फिर दूसरी हो गई. तो कैलकुलेशन ऑफ के वैल्यू जो हमारे पास ना, आप देखो हमारे पास फ्रेम क्या है. सपोज हम ना ये फर्स्ट पार्ट डिजाइन कर रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट है ए, ये हमारे पास है पॉइंट बी. पॉइंट बी, अब डर लग रहा, तुम जाओगे फिर नहीं लगा. पॉइंट ए पे हमारे पास ये देखो फिक्स पोर्ट है. पॉइंट बी पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ना इंटरनल जॉइंट है जिसपे ना दो कॉलम लग रहे हैं, एक कॉलम ये दूसरा कॉलम ये, और एक बीम, बीम एक लग रही है टच हो रही है और दो कॉलम टच हो रहे हैं, ये हमारे पास ना इंटरनल जॉइंट है. तो इसके लिए ना हमने ये हमने अलाइनमेंट चार्ट देखने पड़ेंगे, ये वाले अलाइनमेंट चार्ट. तो असल में ना हमारे पास के भी दो तरह के हैं, एक हमारे पास होगा के वन एक्स, एक हमारे पास के टू एक्स. इस तरह हमारे पास के वन वाई और के टू वाई भी होंगे दूसरी डायरेक्शन में. तो के वन एक्स क्या होगा हमारे पास, जब नो साइड्स पे, के अगर सिर्फ ग्रेविटी लोड लग रहा हो, कोई साइड कोई लेटरल लोड ना लग रहा हो, लेटरल मूवमेंट ना हो रही हो, तो हम के वन एक्स यूज़ करेंगे, और साइड्स पे के लिए हमने ना के टू एक्स यूज़ करेंगे, ठीक है. तो इसने बताया हुआ है कि के वन के टू कैसे ये कैसे निकालने. हमारे पास जो साई होगा वो होता है हमारे पास ई आई ओवर एल ओवर कॉलम्स ओवर ई आई ओवर एल ऑफ बीम्स. तो सपोज को अगर हमारे पास फिक्स पोर्ट है तो ब्रेस्ड कॉलम, मतलब के वन के लिए हम साई क्या लेंगे, 0.5. ए पॉइंट पे हमारे पास ब्रेस्ड है ना, तो ए के लिए हम जो साई है हमारे पास आएगा होगा 0.5. क्यों, क्योंकि हमारे पास ना नो साइड्स हुए था, के वन में नो साइड्स हुए, तो इसलिए हमने साइड ये साई 0.5 ले लिए. क्योंकि बी में हम सॉरी के टू एक्स में हम साइड्स पे प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं, तो साई यहाँ पे हम ए लेंगे 1.0, ये नीचे वाला फोर्स वे कॉलम.
बस k1 सपोज करो नो स्वे है, k2 हमारे पास स्वे केस है, तो उसमें साई ये 0.5 का साई दूसरे वाले में साई है हमारे पास 1.0 आएगा। साई b कैसे आएगा वो हमने निकालना पड़ेगा eiol ऑफ कॉलम और eiol ऑफ बीम। तो हमारे पास कॉलम यहाँ पे दो मीट हो रहे हैं, तो 2 इंटू ई आई ओवर एल, एल कॉलम का हमारे पास 6 मीटर डिवाइड बाय एक बीम है 1 इंटू ई, इसका बीम का आई है हमारे पास 1.4 आई, वो जो शुरू में क्वेश्चन में लिखा था, ओवर इसकी लेंथ है 8.5 मीटर। तो ये करो तो हमारे पास 2.02 आंसर आता है। साई ए साई बी इधर भी सेम होगा, वो ई आई ओवर चेंज ही होने ना। तो ये हमारे पास दो आगे केसेस चाहिए साइड में। के कैसे निकालना है कि हमारे पास था साइए 0.5, साइ बी हमारे पास था 2.02, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो आपस में, 3.75 या 0.76 के अराउंड होता है। तो के वन एक्स हमारे पास आया 0.76, ये वन से कम है तो हमने इसको 1.0 ले लेना है, फिर वन से कम वैल्यू है तो 1.0 ले लो, उससे काम नहीं करना। ये हमारे पास के वन एक्स के लिए साइड स्वे प्रिवेंटेड था, के टू एक्स के लिए हम साइड स्वे अलाउ करेंगे। इसमें देखो तो साई ए हमारे पास है 1, साई बी हमारे पास है 2.02, तो 2 ऑलमोस्ट। तो 1 और 2 को ज्वाइन करो तो कितना बनता है, कुछ इस तरह ही लाइन बनेगी, तो 1.45 ले लो। तो के टू एक्स हमारे पास आ गया 1.45। यार ये हर बार K2X स्वेप अलाउड वाले में देखना पड़ेगा, हर बार अलाउड में, मतलब ये हम हमेशा याद रख लें कि K1X ऊपर वाले में देखना है, K2X नीचे वाले में देखना है। बिल्कुल हाँ ऐसे ही करना है, उधर बेशक जो भी हो स्वे ना हो, अगर अगर स्वे ना होगा तो फिर तो K2 आएगा ही नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में था कि जो अबाउट वाई एक्सिस है स्वे इज नॉट अलाउड ब्रेस्ड है, तो इसलिए हम K1Y निकालेंगे, अभी देखना K2Y हम निकालेंगे नहीं क्योंकि वो उधर ब्रेस्ड है साइड से लेंगे। K1Y हम निकाल लेंगे क्योंकि वो ब्रेस्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर ये बस फिक्स स्पोर्ट थी, अगर हिंज स्पोर्ट होती तो 10 और 20, तो बस ये डिफरेंस आना था 10 और 20, बस ये चीज़ चेंज होनी है। अच्छा और सर ने बताया था कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास कोई कंडीशन गिवन ना हो कि कॉलम की उसने ना एफ डायग्राम ना के दिए ना कुछ बताया हुआ, तो जो हमने ज्यूम करना है K1 वो हमने ज्यूम करना है 1 और K2 हमने ज्यूम करना है 1.2, 1.2 से 1.5 जो भी ज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। मगर 1.2 बुक में भी लिखा हुआ है ये एक्स होगा या वाई होगा दोनों, अगर किसी भी इसकी इंफॉर्मेशन ना दी हो K1Y K1X वो 1 ले लेना है और K2Y K2X तुमने 1.2 से 1.5 को भी अज्यूम कर सकते हैं, 1.2 रेट हो अच्छी बात, 1.5 में फेल हो सकता है, दोबारा ट्रायल करना पड़ेगा। मतलब कंडीशन एज अ सेट वो तो वैसे तो बताते हैं ना कि अगर 2D फ्रेम है तो वो इस साइड पे ब्रेस्ड है या ये है, लेट्स सपोज ये भी ना बताएं तो 2D फ्रेम बताता भी है इस कंडीशन, 2D फ्रेम जैसा स्टेटमेंट पे लिखा हो खाली के 2D फ्रेम है सीधा और उसके अंदर ना उन्होंने ये बताया, हाँ इसी केस में बता रहा हूँ किस कुछ भी ना बताया हुआ, बिल्कुल जीरो इन्फॉर्मेशन दी हो तो जो हम के वन ले लेना, के वन एक्स ले लो उस टाइम भी एक 1, के टू एक्स ले लो 1.2, के वन वाई ले लो 1, के टू वाई ले लो 1.2, अगर जीरो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया, ठीक ठीक है। ये हमारे पास कौन सा स्टेप था, चौथा स्टेप था, चौथा स्टेप। इसके बाद हमने करना है ट्रायल सेक्शन। तो ट्रायल सेक्शन में सिंपल हमारे पास ना फॉर्मूला है कि ये ट्रायल सेक्शन में फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखे हुए हैं mx my के ना, ये यहाँ पर देखो, तो बिल्कुल चैप्टर नंबर 3 के बाद देखोगे ना, चैप्टर 3 के फॉर्मूले हमारे पास की मॉडिफाइड स्टैंडर्ड रेशियो, बाद में ये चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूले खत्म हो जाते, सॉरी ये चैप्टर नंबर 4 के बाद देखो, जब ये बीम खत्म हो जाती है ना, चैप्टर 5 है ना, क्योंकि ये बीम के फॉर्मूले खत्म हो गए, तो ये इंटरेक्शन इक्वेशन लिखी हुई है पहले क्या था मैं, और ये हमारे पास K2 का फॉर्मूला लिखा है, ये नहीं यूज़ करना हमने, ये B1 B2 के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये हमें चाहिए हो ये B1 B2,
और ये अच्छा ये हम देखने लगे थे कि मतलब p इक्विवेलेंट और mx my के ट्रायल के लिए फॉर्मूले mx फॉर फर्स्ट जो हमारे पास ना हमने अब क्या करना है p इक्विवेलेंट फाइल करना है ट्रायल के लिए ना p इक्विवेलेंट चाहिए होता है हमारे पास तो क्या pr mrx mx mry my p इक्विवेलेंट हमारे पास है pr mrx क्योंकि हमारे पास एम वाई में कोई मूवमेंट नहीं है तो हम इसको जीरो ले लेंगे हम पी आर कैसे निकाल लेंगे कि जो भी टोटल रिएक्शन आए थे में ये रिएक्शन आएंगे थे उस हम देखो ना अगर हम ऐसा इसमें ना हमने पहले देखने के लोड कॉम्बिनेशन दो आ गए हमारे पास जीरो क्यों हमारे पास जो सेकंड डायरेक्शन है ना वो ब्रेस्ड है मतलब कोई मूवमेंट नहीं है एम वाई जीरो है अच्छा अच्छा सही उसको देख के ना हमने कर लिया हमजा हमजा लेट वो अनब्रेस होती तो एम अनब्रेस होती जो हम एम आर एक्स में केसेस ले रहे हैं एम एन टी और एम एन टी के वही केसेस हमने उसी में लेने मतलब वही वैल्यूज लेंगे कि वैल्यू चेंज होंगी नहीं नहीं फिर चेंज उसकी लोडिंग डिफरेंट होगी ना फिर तो 3D बन जाएगा ये सपोज करना ये जो लोड है तो जो एम जो वाई के लिए आएगा वो ये आएगा तो सपोज करो लोड कोई इस तरह लग रहा हो जैसे इस तरह ना तो फिर उसका मूवमेंट एम ये एक्स के अबाउट आएगा मतलब एम एक्स एम वाई आ जाएगा फिर हमने उसको देखना मतलब वो लोडिंग गिवन होगा सारा कुछ वो तो मूवमेंट तो अबाउट एक्स आएगा मैं ये देखना ही हमने एनालिसिस किया है अच्छा लोडिंग अलग गिवन होगी ठीक है लोडिंग दूसरी साइड पे ये कंसीडर करते हैं दोनों स्पैन ये होते हैं लोडिंग का तो एनालिसिस के वक्त एम ए अगर उसमें ब्रेस है तो खत्म किया हुआ है अगर ब्रेस ना होता तो उसमें एम वाई आना था जो हमारी डिजाइन प्रॉब्लम अच्छा अगर हमारे पास था देखो दो लोड कॉम्बिनेशन एल सी वन है एल सी टू है हमने कौन सा सेलेक्ट करना है फर्स्ट जो हमने देखना है कि किस में लेटरल लोड है जो लेटरल लोड वाला होगा वो हमेशा क्रिटिकल हो एल सी टू में लेटरल लोड है तो वो क्रिटिकल है ठीक है फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास ये है अगर सपोज करो दो या दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन सब में लेटरल लोड है तो फिर हमें देखना है कि इसके अंदर मैक्सिमम मूवमेंट्स हैं कि मैक्स मूवमेंट्स कौन किस में है तो जिस कॉम्बिनेशन में मूवमेंट्स मैक्सिमम होंगे तो उसको हमने फिर वो उसको इधर हमारे पास क्योंकि लेटरल लोड सिर्फ एल सी टू है तो हम पी आर क्या करेंगे कि रिएक्शन का सम हाँ ये तो पी आर क्या होगा हमारे पास सम ऑफ दिस रिएक्शंस ये तीनों के जो वी ए आए थे ना वी ए ग्रेविटी लोड के लिए वी ए नोशनल लोड के लिए वी ए विंड लोड के लिए जो तीनों में वी ए आए थे उन तीनों को हमने ऐड कर देना पी आर क्या होगा वी ए ऐड करना हमने ग्रेविटी के लिए प्लस वी ए ऐड करना हमने विंड के लिए प्लस वी ए ऐड करना हमने ये नोशनल के लिए तीनों को ऐड कर दिया हमारे पास पी आर आ गया एम आर एक्स क्या आएगा हमारे पास ये सेम चीज़ कि आप देखो तुमने ना हमारे पास दो मोमेंट्स हैं एम ए और एम बी हमने दो क्यों निकाले थे फिर हमने ना असल में इन दोनों में से बड़े वाला चाहिए तो एम ए और एम बी में से जो बड़ा है वो सिलेक्ट करना है साइन को नहीं देखना साइन को इग्नोर करो फिर दूसरे एम ए और एम बी से जो बड़ा है तीसरे एम ए और एम बी जो दो तो एम मैं ए स्लैश बी लिख रहा हूँ कि जो भी जो बड़ा है तो हमने ग्रेविटी के लिए सिलेक्ट करना है प्लस एम ए स्लैश बी प्रिंट के लिए प्लस एम ए स्लैश बी के लिए जो जो मैक्सिमम मोमेंट्स आ रहे हैं हमने उनको सेलेक्ट कर लिया साइन को इग्नोर करना साइन सारे पॉजिटिव रहने ऐसा कोई इशू नहीं तो ये एम आर और पी आर आ गए अब जो रह गई चीज वो थी एम आर एम एक्स अच्छा हमजा ये जो वी ए और वी बी है इसके अंदर हम वी ए तो ये जो वी ए और वी बी चीज है इसके अंदर जो हम लोड कैलकुलेट करते हैं ऊपर से जो लोड लग रहा है उसको ऐड करेंगे वी ए निकालने के लिए मतलब पॉइंट लोड जो लग रहा है उन्हें जो यूडीएल की वजह से लग रहा था वो तो वीए में उधर एनालिसिस में गिवन है जो पॉइंट लोड उसके बिल्कुल ये था ना बिल्कुल सही थी?
हां ये जो बस जो फ्रेम है ना उधर गिवन वो सिर्फ इस तरह ना यूडीएल के लिए मतलब यहां पास फ्रेम उधर गिवन है ना वो देखना तो बिल्कुल यूडीएल के लिए यहां पे जो डायरेक्शन आता है वो मेगा एल बाय 2 आता है मेगा एल बाय 2 आता है करना बस ये एल ही है मेगा तो असल में तो यहां पे पॉइंट कोड भी लग रहे हैं पी और पी तो हमने पी प्लस मेगा एल बाय 2 करना यहां पे भी प्लस पी प्लस मेगा एल बाय 2 करना तो ये आएगा ना इसका जो कैलकुलेट कर रहे हो वो तभी चेंज कर देना था हमने डायरेक्शन सही है तो डायरेक्शन को ऐड कर दिया है सारा कुछ हो गया एमएक्स एमएक्स फॉर फर्स्ट ट्रायल जो हमारे पास है ना फॉर्मूला ये है ये फॉर फर्स्ट ट्रायल हम पहला ट्रायल कर रहे हैं तो हम लेंगे 8.5 माइनस 0.7 k1 x lx ठीक ठीक है चलो यार ये 1.15 ऐड करते हैं वो किस में करते हैं वो भी करेंगे बाद में वो जब ये क्वेरी यूज करना फिर ऐड करेंगे यहां पर 1.1 अच्छा अगर ये MRY मतलब 0 ना होता तो फिर क्या करना था इसको भी यूज करना था MY निकालना था जो इसको कैसे निकालना था उसका फार्मूला गिवन है वो कैसे निकाला 0.4 k1y पर ये जो इसकी ना एग्जांपल 2 देखना अगर यहां पर ना एग्जांपल 2 तो उसमें उसने लोड नहीं बताया वो उसने लोड हमें वो उसके लिए दिए हुए हैं कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिए हुए उसने डायरेक्ट बताए हुए हैं और उसने लोड दोनों बताए हुए ये देखना MNTX अच्छा उसने कहा कि दोनों साइड पर ब्रेस्ड है ब्रेस इन बोथ डायरेक्शन देखो दोनों लेटरल हमारे पास क्या हो गए 0 हो गए MLTX और MLTY दोनों 0 हो जाएंगे MNT और MNTX और MNTY हैं वो आ रहे हैं तो इसमें जो P equivalent की क्वेरी यूज़ कर रहा है वो देखो उसने MX MY दोनों निकाले हैं 3% मैग्नीफिकेशन लिए और फिर उसको यूज़ किया है ठीक है तो उसने ना उस गिवन है ना कैलकुलेट करने के लिए नहीं उसने दिए हुए कैलकुलेट करने में दो वाला थोड़ा सा ना वो 3D बनाना पड़ेगा वो लंबा नहीं मैं ये कैपिटल MR की बात कर रहा वही मैं बता रहा हूँ कि कैपिटल एम आर वाई उसने गिवन दिया हुआ है कैपिटल एम आर वाई उसने ये बताया हुआ है MNTY ठीक है ठीक है उसने डायरेक्ट दे दिया है कैलकुलेट करने के लिए दिया कैलकुलेट में फिर लंबा हो जाएगा क्वेश्चन में आधा ये हम इधर रह जाएंगे आगे हम जाएंगे ही नहीं टाइम आगे बिल्कुल कम है ठीक है तो हाँ बस एम एक्स एम वाई आ गए हमजा अगर वो एम आर वाई दे दे एम आर एक्स जीरो तो फिर फिर बस हमें सारा कुछ जीरो कर देना है MY के लिए डिजाइन करना सब्सक्रिप्ट बस चेंज होगा और ये फॉर्मूला चेंज होगा बाकी सारा कुछ वही सेम मतलब जो MX तुम इग्नोर कर दोगे ना सारा कुछ MX काट दो सारा कुछ MY के लिए कर लोगे फॉर्मूला में देखो बिल्कुल सारा वही सेम है जैसे हमने MRX लिया वैसे MRY ले लेंगे तब वैसे MRY ले लेंगे और MRY के लिए वो सारा सॉल्व कर लेंगे फिर वो कहे कि ये जो हमारे पास ब्रेस्ड अबाउट स्ट्रॉन्ग एक्सेस है या ब्रेस्ड अबाउट एक्स्ट्रा डक्शन है फिर एम वाई आएगा सिर्फ एम एक्स जीरो हो जाएगा सही होगा ठीक है चलो के वन एम एक्स है 0.7 के वन एक्स एल एक्स इससे एम एक्स की वैल्यू निकाल लो तो के वन हमें पता है 1 है ये हमारे पास पता है 6 है तो इससे वो 4.2 वैल्यू आती है मेरे ख्याल से 4.3 आती है कुछ इतनी आती है तो हम जब पी इक्विवेलेंट की क्वेरी यूज़ करेंगे ना तो पी इक्विवेलेंट क्या हमारे पास ये पी आर प्लस एम आर एक्स इंटू एम एक्स अच्छा अब यहाँ पर ना वो जो कह रहा था कि 1.15 हमने यूज़ करना है ये हम मूवमेंट मैग्नीफिकेशन फैक्टर हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट वैसे ना हमने एज्यूम किया 15% मूवमेंट मैग्नीफाई हो जाएंगे तो हमने 1.15 का फैक्टर साथ लगा दिया सर में ज़्यादा हूँ कम हूँ वो अभी बाद में पता चलेगा जब हम B1 B2 कैलकुलेट करेंगे ना तो फिर हम पता चलेगा अभी हमने ना एज्यूम कर लिया बस कि ये पी इक्विवेलेंट आ गया इतना तो पी इक्विवेलेंट आता था एक मिनट सपोज करो आ गया 5908 आ गया तो हमें KY LY पता है कि KY हमारे पास है 1 LY है 3 मीटर क्योंकि मिड पॉइंट पे ब्रेस था तो 3 आ गया के वायर में अब हमने ना बीम कॉलम सेक्शन टेबल पे जाना है
कॉलम सेक्शन टेबल पे जाओगे W250 वाले पे, इस साइड से आओ बिल्कुल एंड से ना 345, ये हमारे पास यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं कॉलम सेक्शन टेबल। तो हमें देखना है तीन मीटर पे हमारे पास 5908 कैपेसिटी हो, मतलब 5900 कैपेसिटी हो 3 मीटर पे। तो यहाँ पर देखो इधर से स्टार्ट होना है तुमने, लेफ्ट साइड पे छोटे सॉरी राइट साइड पे छोटे होते हैं और लेफ्ट साइड पे इंक्रीज होते रहते हैं। तो यहाँ पर 3 मीटर पे 312 है, बहुत कम है। अगले पेज पे जाओ 3 मीटर पे हमारे पास 900 है, कम है। जल्दी जल्दी करना, टाइम बिल्कुल नहीं आना पेपर में। 3 मीटर पे 24 है, कम है। यहाँ पे 3 मीटर में बस है 2293, नहीं कम है। यहाँ पे 3 मीटर में पास है 2.0, अगर देखो तो किसी में भी 3 मीटर पे नहीं है, ठीक है नहीं है। 3 मीटर पे 4190 थोड़ा सा करीब करीब आ गया, हमें तकरीबन 6000 चाहिए, 5900 चाहिए। इसमें देखो 7000 3 मीटर पे। तो इधर देख लो यहाँ पे सेक्शन कौन सा है हमारे पास, ये वाला। तो हम लेंगे W310 इंटू 226, पहले हमने लिख लिया W310 इंटू 226। अभी बस हमने इसको छोड़ नहीं देना, अभी हमने बाकी सेक्शन भी देखने हैं, हमने इकोनॉमिकल पे जाना है। इसका वेट है 226 किलोग्राम पर मीटर। अगर किसी सेक्शन का इससे कम वेट हो, अगर कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे। असल में ना हमें 3 तरह के सेक्शन है इसके अंदर, जो 3 मेजर सेक्शन है ना वो W250 वाले हैं, W310 वाले हैं और W360 वाले हैं। इन तीनों में से कोई सेक्शन आएगा चेक करने वाला, तीनों का तुमने देख लेने हैं। W250 वाले की तो इतनी कैपेसिटी नहीं थी, ये 250 वाले थे ना सारे, तो इसकी कैपेसिटी यार पेपर में इतना टाइम नहीं होना, मतलब हम लिख तो लेंगे ढूंढ के, लेकिन ट्रायल सबसे पहले किसका करें वो बताओ। शॉर्ट कोई देखने लगे ना, एक मिनट, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास 6000 ये इसकी है और इसका वेट 226, ठीक है। अगला वाला ढूंढो 310 में, अब नहीं देखना क्योंकि 310 में सारे हैवियर ही होंगे इससे। अब देखो 360 का स्टार्ट हुआ है, 360 के लिए हमारे पास 3 मीटर पे 3000 है, अभी 360 के लिए हमारे पास 3 मीटर पे 5300 आई है, और 3 मीटर पे 5905 आई है, तो 908 के बिल्कुल करीब है। तो हम इसको देख लेंगे W360 into 216। तो देखो अगर हमारे पास इसका वेट है 226 किलोग्राम, इसका है 216 किलोग्राम पर मीटर, तो हमारा फर्स्ट ट्रायल सेक्शन ये लेंगे 216। और अगर हमने इसको और देखना है तो इसका हमने कैपेसिटी देख लेनी है, बल्कि ये अभी फर्स्ट ट्रायल सेक्शन है ना, इसको तो वैसे अभी ज़ूम करो, जब से जो फाइनल ट्रायल सेक्शन पर जाएंगे ना फिर देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रायल सेक्शन क्या आ गया, W360 into 216। इसका हमने क्या चीज़ देखनी, नोट करनी, डी नोट करना है और इसका RX और RY का रेशियो नोट करना है। तो इसका डी हमारे पास देखना पड़ेगा, RX और RY इसका रेशियो आ गया हमारे पास 1.59, आखिरी वाला था ना, तो RX और RY हमारे पास आ गया 1.59। और डी हमें ना पीछे वाले टेबल से देखना पड़ेगा, तो उधर से आता है निकाल दे 376 आता है। तो फर्स्ट यहाँ से ना ढूंढना पड़ेगा फिर वाले ना जो सेक्शन प्रॉपर्टीज के टेबल जो सेक्शन इनटू 360 इनटू ये 216 है, तो इसका देखो डी 376 है, तो डी आगे 376 और हमने नोट कर लिया। ये हमारे पास अब हमने ना MX MY एग्जैक्ट निकालना है, पहले हमें ट्रायल के लिए निकालते हैं, फर्स्ट ट्रायल के लिए था जो एग्जैक्ट हमारे पास है MX MY, उसका फॉर्मूला भी उधर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ना पेपर में बेशक स्केल रख लेना दोनों पेजेस के दरमियान ना, कि आधे आधे फॉर्मूले पीछे देखने सेक्शन पीछे देख रहे होना है और फॉर्मूले कैसे देख रहे होना है। MX formula 10 minus 14 d by 1000 minus 0.7 k1 xmx 10 minus 14 d by 1000 या फिर याद कर लो छोटे ही हैं minus k1 x इसको यूज करो तो हमारे पास fx की वैल्यू आती है 3.82 ये वैल्यू आ गई। इसे p equivalent दोबारा फाइंड करो, pr plus 1.15 mrx mx तो 5434 आती है 5434।
तो ये हमारे पास पीकेबल आ गई। जब हमने ना फर्स्ट 12 के बाद जो हमने सेलेक्ट करना है तो वो हमने ना इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम के तौर पर सेलेक्ट करना है। तो इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम क्या होता है, के वाई एल वाई, उसके लिए हमने इक्विवेलेंट फाइंड करनी होती है, होती है के एक्स एल एक्स ओवर ये आर एक्स और आर वाई का रेशियो। तो आर एक्स और आर वाई का रेशियो हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमने ना इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम फाइंड करना था। तो के वन जो के एक्स क्या है वो के वन और के टू में से बड़े वाला है, K1x या K2x में से बड़े वाला, मतलब K2x ही आएगा, K1x में से छोटा होता है। K2x हमारे पास 1.45, पहले हमारे पास है 6000 ओवर Rx और Ry का रेशियो 1.5 है, इससे हमारे पास लेंथ आती है 5.47 मीटर, मतलब 5.5 मीटर आगे। Kx क्या होता है, K1x K2x में है छोटे वाला बड़े वाला क्रिटिकल केस। K1x, K2x, K1 हमारे पास 1 था, K2x हमारे पास था 1.45, तो हमने 1.45 सेलेक्ट किया। KY, LY इक्विवेलेंट आ गया। अब जो हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है वो हमें देखना है P इक्विवेलेंट पे, KY, LY या KY, LY इक्विवेलेंट के ऊपर, इनमें से जो भी लार्जर हो। तो KY, LY हमारे पास था 3 मीटर। यार ये KY, LY इक्विवेलेंट लाजमी हमने निकालना है या सर ने तो कहा था अगर गिवन होगा तो वही करना है? देखो ना तो उसने निकाला हुआ है, पूछा बताया नहीं मगर फिर भी निकाला हुआ है। यार आखिर कर ली तेरा क्या जाता है, 2 मिनट का काम है बस, इसको डिवाइड ही करना है, डिवाइड करो तो इक्विवेलेंट आ गया। अब इनमें से बड़ी वाली देखनी है कि 3 मीटर के ऊपर और पी इक्विवेलेंट के ऊपर। अच्छा हाँ, ये निकालने का एक और फायदा भी है, अगर तुम 3 मीटर पे देखो ना पी इक्विवेलेंट तो बहुत ज़्यादा सेक्शन सेटिस्फाई करें। ये देखना जो बीम सिलेक्शन टेबल मेरे पास ये है, सॉरी कॉलम सिलेक्शन टेबल मेरे पास ये हैं, तो 3 मीटर पे जो सेटिस्फाई करने लग जाएंगे ना 5400 तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट इसने भी सेटिस्फाई कर दिया है, ये यहाँ से सेटिस्फाई होना शुरू हो जाएगा। मगर असल में देखना तो हमने ना जो ये वाला सेक्शन यूज़ किया था क्वेश्चन में 6000 क्वेश्चन वाला, तो उसने भी हमें फेलियर दिया था एंड में, अगर याद होगा कि हमारे पास इंट्रैक्शन इक्वेशन फेल हो गई थी, इतनी क्वेश्चन वाली फेल हो गई थी उसने, तो जिसकी क्वेश्चन उसका उतना वेट कम है उसने तो जाहिर सी बात है फेल हो जाना है। फिर वो आगे आगे करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रायल लगेंगे, इससे हम जल्दी पहुँच जाएंगे ट्रायल के ऊपर, एक नहीं तो अगले ट्रायल पर पहुँच जाएंगे। तो इसका ये भी फायदा है कि 3 मीटर पे ना वो सेकंड सेटिस्फाई करेंगे, 5.5 के ऊपर बहुत कम करेंगे, 5.5 पे देखो ना क्वेस्टी कितनी कम होगी, इसमें 6000 थी तो अभी 5000 रह गई। तो ये निकाल लेना जो बड़े वाला लार्जर 5.5 मीटर पी के ब्रांड 5400, तो देखो ये यही वाला सेक्शन आ गया 5400, ठीक है। W360 into 237, इसकी हमने लेंथ 5.5 मीटर के ऊपर हमने जो कैपेसिटी है 5400 सेटिस्फाई कर रही है, और वेट का भी देखना तो जो 310 वाला होगा वैसे हैवी था, मैंने चेक किया था, ये पास आ गया W360 into 237। तो इसके हमें 4 चीज़ें देखनी है, एरिया देखना है, आर एक्स देखना है, आर वाई देखना है और आई एक्स देखना है, ये 4 चीज़ें नोट कर लो अभी, साथ ही उस टाइम में नोट कर देंगे। तो एरिया इसका हमारे पास है 30100, आर एक्स इसमें यहाँ पे ना आर वाई बताया हुआ है, आर वाई हमारे पास है 102, तो उसने आर एक्स नहीं यहाँ पे बताया हुआ, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल या पिछले कॉलम से पिछले टेबल से देख लो और वहाँ पे जाके वो लंबा काम हो जाएगा। सिंपल जो रेशियो है इसकी क्या है, वो है हमारे पास 1.6 into 102 कर दो, सिंपल 1.6 into 102 करो तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास आती है हमारे पास 163.2, तो 163 ले लो सिंपल, ठीक है। नीचे वाला साइड प्लॉटर खोलो ताकि थोड़ा सा वो सेफ रहे। आई एक्स आएगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एक्स वैल्यू लिखी हुई 79,000 × 10^4,
m9100 × 10⁴. ठीक है, ये चार ये सेलेक्ट होकर कर लिए, ये हम देख लें सेक्शन की, एक मिनट दान हो रही है. अच्छा, तो ये हमारे पास ना फाइनल ट्रायल सेक्शन है. अभी ये हमारे पास ट्रायल ही है, फाइनल ट्रायल. इसके हमें पैसे लिखनी पड़ेगी. फाइनल ट्रायल सेक्शन आ गया हमारे पास दिस. ये हमारे पास था फोर स्टेप. ठीक है, पांचवा स्टेप ये करना है हमने. हमने मोमेंट पर इनफिशियंट फैक्टर निकालने हैं. तो मोमेंट पर इनफिशियंट फैक्टर्स क्या आएंगे, ये हमारे पास बी वन बी टू के फॉर्म में लिखे हुए हैं. बी वन और बी टू हमारे पास ना मोमेंट पर इनफिशियंट फैक्टर में. इसमें देखो तो सी एम क्या है, सी एम है हमारे पास ये सर बैंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप फैक्टर है उसके लिए. तो इसका फॉर्मूला अगर हम इसका फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ इसके अंदर तो याद करना पड़ेगा, वो है 0.6 − 0.4 एम वन ओवर एम टू, एम वन एक्स ओवर एम टू एक्स, जो भी डायरेक्शन है. तो ये याद कर लो, या फिर उसमें लिखा हुआ है कंजर्वेटिवली हम इसको वन भी दे सकते हैं. पर वन से बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी इसके बी वन की, तो हमारे पास सेक्शन फेल हो जाएगा, बहुत कंजर्वेटिव सेलेक्ट हो गया. तो इसके ये इसको ना फॉर्मूले से निकालो. लेकिन हमजा साहब ने तो वन नहीं लेने के लिए कहा था, वो सीबी है, सीबी कहा था, सीएम का नहीं. अच्छा, पैनल में जब बीम के लिए कैपेसिटी दिखाएंगे देखेंगे ना, मतलब सीबी आता है उसको वन से निकाला. अच्छा अच्छा, वो भी हमारे पास ना, वो भी उसके बैंडिंग मोमेंट के डायग्राम की शेप का शेप का फैक्टर है, ये भी शेप का फैक्टर है. मगर वो इसको वन नहीं लेना, वरना ये बी वन बहुत ज़्यादा बैठी हो जाएगी. तो ये फॉर्मूला याद करना है. अच्छा, इसमें एम वन एम टू क्या है, जो यहाँ पर ना हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर्स है ये मोमेंट्स है, ये लोड से मोमेंट्स है सॉरी. तो बी वन हम निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला देखो याद रखो बी वन का है. तो बी वन क्या किस लिए होता है, जब हमारे पास कोई साइड स्ट्रेन ना हो, सिंपल नो लेटरल, के कोई लेटरल मूवमेंट नहीं, तो बी वन होगा. बी टू हमारे पास होता है लेटरल के लिए. तो बी वन के लिए हम क्या देखेंगे, ग्रेविटी देखनी चाहिए या फिर ये नोशनल या विंड देखना चाहिए. बी वन के लिए ना हम ग्रेविटी को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लेटरल नहीं है. हम अज्यूम कर रहे हैं नो लेटरल बी वन, तो विंड और वो तो लेटरल हैं, हम उनको इग्नोर करो. तो बी वन के लिए सिंपल हमने ना ये ग्रेविटी को देखना है. ग्रेविटी में हमें दो मोमेंट निकाले थे इसलिए शुरू में, एम यू और एम बी. तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको डिनोमिनेटर में डालना है. हमारे पास कहाँ गया, तो एम वन जो होगी स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर मोमेंट, एम टू होगा हमारे पास लार्जर मोमेंट जो ग्रेविटी से आता है, ग्रेविटी से. तो स्मॉलर और लार्जर इस तरह हमने करना है. और इसका साइन का भी होता है फर्क क्या, सपोज करो हमारे पास ना मोमेंट्स आए हैं दोनों के साइन ऑपोजिट आए हैं. सपोज करो एम ए हमारे पास आया था, एम ए हमारे पास सपोज करो आया है पॉजिटिव, एम बी आया नेगेटिव, पॉजिटिव एम बी हमारे पास है नेगेटिव. तो एम ए की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है. एम ए पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है कि उसने ना सैग प्रोड्यूस करवाना है. तो सैग कैसे होगा प्रोड्यूस, इस तरह. ठीक है, ये बीम को कंसिडर करो, इस ये कॉलम को कंसिडर करो, ये बीम है ए बी. तो इसमें सैग कैसे प्रोड्यूस होगा, जब ये क्लॉकवाइज लग रहा होगा ना,
तो इसने सैक प्रोड्यूस करवाना है, फिर काउंटर क्लॉक वाइज लग रहा होगा तो हॉक करवा देगा। तो ये हमारे पास आ गया एम ए, एम बी नेगेटिव है, एम बी ने हॉग हॉगिंग करवानी, तो एम बी कैसा होना चाहिए कि इसने ना हॉग करवाना है। अगर हमारे पास इस तरह होता तो सैक होना था इस तरह, एम बी आ गया तो एम बी यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। तो जब हमारे पास दोनों ये डायरेक्शन डिफरेंट हो तो ये रिवर्स कर्वेचर बनता है, ठीक है, ये दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये रिवर्स कर्वेचर बनेगा। तो रिवर्स कर्वेचर के लिए हम पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारे पास दोनों की डायरेक्शन डायरेक्शन दूसरी तरह नहीं आएगी, आपने दोनों सेम डायरेक्शन लगा दी है, एम बी सही आएगी, ये देखो ना ये दोनों क्लॉकवाइज हो रही है, फिर एम ए भी क्लॉकवाइज है, एम बी भी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज नहीं देखना हमें, देखना कि सैग और हॉग, सैगिंग और हॉगिंग कैसे क्या प्रोड्यूस करवा रहा है। अगर देखो ना कि सैगिंग प्रोड्यूस करवाने के लिए ये बीम यहाँ पर क्लॉकवाइज सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा, सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है, इस तरह होती सैगिंग, इसने ऐसा सैग कर लिया तो काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को छोड़ दो, बस सैग को देखना है, फिर हॉग को देखो तो इनको उल्टा कर दो, इस तरह ही होगी होती है ना कि ऊपर की तरफ उसने टेढ़ा हो जाना है। तो इसलिए मैंने पहले ही काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं कहा था, हमने सैगिंग और हॉगिंग को देखना है, उसके तौर पे ना साइन को लेना है। तो ये ऑपोजिट साइन आगे ये पॉजिटिव है, अगर सपोज करो दोनों सेम डायरेक्शन में इस तरह होते हैं, ये दोनों हॉग करवा रहे हैं, तो जो हमने लेना था इसका जो कर्वेचर बनना था वो सिंगल कर्वेचर बन जाना था इस तरह। तो इसलिए हमने ना वो ये हम लेना था सिंगल कर्वेचर, इसको हमें नेगेटिव लेना था, और ये जो रिवर्स कर्वेचर है हमने इसको पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर लेना है, यहाँ पर ये एम ए और एम बी का साइन। अगर हमारे पास रिवर्स कर्वेचर है तो पॉजिटिव, अगर हमारे पास सिंगल कर्वेचर है तो फिर नेगेटिव। सिंगल कर्वेचर मतलब दोनों के साइन सेम है, एम ए और एम बी दोनों के साइन अगर सेम आगे ड्रैगन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं तो सिंगल कर्वेचर है। अगर एम ए और एम बी के साइन डिफरेंट है, एक प्लस है माइनस है दूसरा माइनस है प्लस है, तो फिर रिवर्स कर्वेचर, ठीक है। तो हमारे पास रिवर्स ही आएगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही आएगा, जो हमारे पास लोडिंग के मुताबिक था, तीनों में लोडिंग में मैंने चेक किया तो तीनों में रिवर्स कर्वेचर ही बनता है। साइन उठे आपने ग्रेविटी के लिए भी, विंड के लिए भी, विंड लेट जो यूडीएल विंड का उसमें भी, तो ये रिवर्स ही बनता है। तो हमारे पास सी एन की वैल्यू आज की इस तरह, पी आर हमने निकाला हुआ है, अल्फा में पता है वन है, एल एफ डी के लिए पी ई वन क्या है, आईलेस क्रिटिकल बकलिंग लोड फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस के लिए, पी ई वन आईलेस का लोड है फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस के लिए। तो ये क्या होता है हमें याद भी होना चाहिए, पाई स्क्वायर ई आई एक्स ओवर के एक्स एल एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा हम देखो बी वन फाइंड करें, याद रखना बी वन फाइंड करें, तो बी वन में के कौन सा आएगा, के वन आएगा, ये याद रखना। यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं लेना कि बड़े वाला वैल्यू यूज़ कर दी सबके लिए, नहीं, यहाँ पर हमें देखना है कि बी वन है तो उसके लिए हमें के वन यूज़ करना है, आगे जो बी टू आएगा उसके लिए हम के टू यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास बी वन आ जाएगा, और इसकी वैल्यू देखो उसने लिखा ग्रेटर इक्वल टू वन, छोटी वन से नहीं आनी चाहिए, वन से ग्रेटर आने, अगर वन से छोटी आ गई तो फिर हमने वन ले लेनी है, छोटा नहीं करना। दूसरी हमारे पास बी टू है, तो बी टू क्या है हमारे पास वन ओवर वन माइनस अल्फा समेशन पी एन टी ओवर समेशन पी ई, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो पी एन टी का क्या मतलब है कि जो भी ग्रेविटी लोड है उनका सम, एन टी एन का मतलब है नो ट्रांसलेशन, तो नो ट्रांसलेशन का मतलब है असल में सिंपल चीज़ है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के जो भी लोड से उनको सम कर लो, जो भी हमने पहले ग्रेविटी के लिए लोड निकालते टू टाइम्स पी यू प्लस ओमेगा यू इंटू वो 8.5 जो भी बीम की वेट थे, बीम की लेंथ थे, तो वो जो हम सम इनको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आती है ग्रेविटी लोड्स, सिंपल मिशन पी एन टी। मिशन पी ई टू क्या है, देखो हमारे पास दो कॉलम्स हैं, इसका पी ई टू आएगा, इसका भी पी ई टू आएगा, तो हम क्या करेंगे समेशन पी ई टू क्या है, टू इंटू ई आई एक्स ओवर के टू एक्स एल एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर टू से मिल रहा है क्योंकि दो कॉलम थे, एक इस डायरेक्शन में,
मैं सपोज को तीसरा कॉलम भी होता आगे तो मैं थ्री से मल्टीप्लाई करना था थ्री इंटू और आई एक्स ओवर के टू एक्स और हमने के टू यूज़ करना है इंटू एल एक्स. अगर सपोज करके इसकी कॉलम की वो मेरे पास सेक्शन प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ये डब्ल्यू 360 है ये डब्ल्यू 310 है तो फिर हमने ये टू नहीं करना था फिर हमने इसका पहले वाले कॉलम का एड विद ये दूसरे वाले कॉलम का आई एक्स चेंज हो जाता ना फिर के टू एक्स एल एक्स का होल स्क्वायर ठीक है. तीसरा हमने ना बी वन और बी टू निकालने बी टू की वैल्यू वन से ज़्यादा ही आएगी पूरी नहीं आती. और हाँ अच्छा अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि जो हमजा ये दोबारा बताना पी टू अगर सपोज कर हमारे पास ना चार कॉलम गिवन है तो सेक्शन डिफरेंट कैसे हो सेक्शन अगर डिफरेंट भी हो सकते हैं जो साइड वाले कॉलम होते हैं उनके ऊपर मूवमेंट ज़्यादा आता है जो इंटरनल होते हैं उनके ऊपर लोड आता है जो साइड वाले होते हैं उनके ऊपर लोड कम आता है उसके ऊपर हाफ स्पैन का लोड आना है इसके ऊपर फुल स्पैन का आना है इसके ऊपर फुल स्पैन का आना है तो इनको हम हैवीएस्ट डिज़ाइन कर लें सपोज करिए डब्ल्यू 360 इंटू ये 200 है ये भी 360 200 है इस पर कम लोड आ रहा था हमने इसको डब्ल्यू 360 इंटू 150 कर दिया इसको लाइटर डिज़ाइन कर दिया वो डिपेंड करता है अगर जितना वो डिफरेंट भी होता सेक्शन जितने भी सेक्शन होंगे हमने ना सबका हाईएस्ट क्रिटिकल लोड निकाल लेना है सबका ऐड कर देना है ये समेशन है ना तो इस वाले का उसको ये वाला ये हमारे पास फर्स्ट ब्लू वाला है फर्स्ट ब्लू और लास्ट ब्लू सेम है तो हम क्या करेंगे टू इंटू ई इसका आई एक्स इस वाले का बाकी तो के एक्स के टू एक्स एल एक्स सबका सेम ही होना है क्योंकि हाइट तो कॉलमों की सेम ही होगी प्लस अब ये ग्रीन वाले दोनों सेम है सपोज करो सेक्शन तो इनका सेम ऐड कर लो टू इंटू ई आई एक्स इनका आई एक्स डिफरेंट होगा के टू एक्स एल एक्स मतलब बस आई एक्स डिफरेंट होगा बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी और ये हम पी ई वन के लिए नहीं मल्टीप्लाई करते टू के साथ पी ई वन वन कॉलम का इफेक्ट है जो हम कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका बस हमने बस उसको कंसिडर किया है जो पी ई टू है वो पूरी स्टोरी का जो वो स्ट्रक्चर की स्टोरी है ना उस लेवल ठीक होगा स्ट्रक्चरल इफेक्ट है वो इंडिविजुअल इफेक्ट था पी वन ठीक है तो हमारे पास आ गया ये आ गया यार एक एक सेक्शन निकालने बड़ी बात है ये हम बाकी में सेक्शन भी देखेंगे नहीं अगर सपोज कर डिजाइन प्रॉब्लम ना आ रही हो एनालिसिस में प्रॉब्लम आई हो ये अगर सपोज कर हमने सारे सेक्शन डिजाइंड है अगर एनालिसिस प्रॉब्लम आई हो तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है ये के वन के टू से हमने स्टार्ट किया कोई ट्रायल सेक्शन की जरूरत नहीं डायरेक्ट के वन के टू निकाला उसके बाद हमने मोडिफिकेशन फैक्टर निकाला तो ये हमारे पास सेकेंड स्टेप होगा हमें और पीछे कुछ नहीं करना पड़ेगा तो फिर उसके लिए तो सर दे सकते हैं अच्छी मर्जी ठीक है ताज जल्दी जल्दी करो यार आगे काम आसान है जल्दी जल्दी आगे गुजारो बहुत और बहुत कुछ है अभी और बहुत कुछ क्या है वो कंक्रीट वाला भी करना है उसमें से 15 नंबर का पेपर आना है असल तो वो चीज ही वो है अच्छा यार चुप कर जी मैं बकवास नहीं करने देता यार उसका कल लेक्चर रख लेते हैं हां वो कल इतने वेले नहीं आया ना उस्ताद वेला इतना तुम्हारे वास्ते हर लेक्चर रखे उसका आधे घंटे का काम साहब का हां हमजा भी करवा दो बस बताया हुआ कि जो स्टोरी ड्रिफ्ट है उसे हम कहते हैं डेल्टा एच वो डज नॉट डिक्रीज स्पैन बाय 500 स्टोरी ड्रिफ्ट का होती है सपोज करो स्टोरी है अगर यहाँ पे ना विंड लोड लग रही है या कोई लिटिल लोड लग रहा है तो इन सब कॉलम में ना इस तरह स्वे होना है ऐसा ऐसा तो ये जो एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन ये प्रोड्यूस हुई है इसे हम कहते हैं स्टोरी ड्रिफ्ट कि जो स्टोरी ड्रिफ्ट कर गई है इतनी इतनी वो मूव कर गई है तो इसकी लिमिट होती है जो कोड स्पेसिफाई की हुई है या फिर क्वेश्चन में लिखी हुई है सपोज वो कह रहा है कि एल बाय 500 एल हमारे पास कॉलम की लेंथ है तो कॉलम की स्पैन ओवर 500 से ज़्यादा ये स्टोरी ड्रिफ्ट नहीं इंक्रीज करनी चाहिए तो डेल्टा एच ओवर एल क्या आएगा हमारे पास 1/500
इसे कहते हैं स्टोरी ड्रिफ्ट, ये है स्टोरी ड्रिफ्ट, एस डी लिख दिया मैंने, और डेल्टा एच ओ लेते हैं मेरे पास ड्रिफ्ट इंडेक्स के कितना ड्रिफ्ट इंडेक्स है, एफ वन और 500 है. तो उसके लिए बस क्या करना है हमने कि अगर ये दिया हो ड्रिफ्ट इंडेक्स या स्टोरी ड्रिफ्ट दी हो तो बस बी वन तो वैसे ही आएगा, बी टू के लिए ना हमने ये यूज़ करना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, कि सॉरी पी टू के लिए ना हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है कि आर एम डेल्टा एच ओवर ये डेल्टा एच ओ वेल गिवन है. अगर मैं इसको हिस्सा लिखूँ आर एम इंटू डेल्टा एच, ये डेल्टा एच नीचे अगर एल को नीचे ले जाएँ डेल्टा एच ओवर एल बन जाएगा ना इस तरह, तो ये हमें पता है कि कितना है 1/500 ये जो भी गिवन है क्वेश्चन में. डेल्टा एच ये हमारे पास टोटल जो भी सारी लेटरल फोर्सेस हैं उनका सम, जितनी भी लेटरल फोर्स लग रही हैं उनका सम, और आर एम हमारे पास मॉडिफिकेशन फैक्टर है, ये डिपेंड करता है बिल्डिंग की टाइप के ऊपर. अगर हमारे पास ये मोमेंट बिल्डिंग है, मोमेंट रेजिस्टिंग बिल्डिंग है तो हम 0.85 लेंगे, ये अगर नॉर्मल बिल्डिंग है या फिर कुछ है तो उसके लिए हमने ना 1 लेना है, ये और टाइप बिल्डिंग है तो 0.85 या 1. या इसका फॉर्मूला भी गिवन है इसके अंदर भी शायद है, बुक में मैंने देखा था, तो उसका फॉर्मूला भी देख लेना, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. वरना सर ने तो ये वैल्यू बताई थी कि 0.85 और 1, ये सर ने लिखवाई भी थी और बुक में भी ये गिवन है. तो डायरेक्ट अगर मोमेंट बिल्डिंग है तो 0.85, एनी अदर बिल्डिंग, ये मोमेंट रेजिस्टिंग बिल्डिंग है ये एनी अदर, तो उसके लिए 1 ले लो. तो इस तरह हमने बस जब अगर हमारे पास गिवन ना हो, सॉरी अगर हमारे पास ड्रिफ्ट इंडेक्स या स्टोर ड्रिफ्ट गिवन हो तो फिर हमने पी टू इस तरह निकालना है, पिछला वाला काम नहीं करना, पी टू को इधर पुट करो बी टू निकाल लो, बस ये डिफरेंस आएगा, ठीक है. स्टोरी ड्रिफ्ट में ये हमारे पास हो गया बी वन बी टू मोमेंट एनिफिशन फैक्टर भी हो गया. अब इसके अगला लास्ट सेकेंड लास्ट स्टेप हमारे पास है कैपेसिटीज, तो जो भी स्टेप था कैपेसिटीज हमें देखो जो इंट्रैक्शन इक्वेशन थी वो क्या थी कि पी आर और पी सी प्लस एम आर एक्स और एम सी एक्स प्लस एम आर वाई एम सी वाई लेस इक्वल टू 1. तो हमें क्या चीज़ें चाहिए, अगर एम वाई तो ख़त्म है सपोज नहीं है, हमें क्या चीज़ें चाहिए, पी आर चाहिए, पी सी चाहिए, एम आर एक्स चाहिए, एम सी एक्स चाहिए, ये चार चीज़ें चाहिए हमें. तो पी आर कैसे आएगा, पहले जो हमने पी आर निकाला था वो हमने ना 15% एज्यूम किया था मोमेंट एनिफिशन फैक्टर, अब हमें एग्जैक्ट पता चल गया है बी वन और बी टू एग्जैक्ट हमें पता चल गया मोमेंट एनिफिशन फैक्टर. पी आर क्या होगा हमारे पास, जो पी एन टी के जो ग्रेविटी लोड है प्लस बी टू टाइम्स पी एल टी जो लेटर लोड है, ठीक है. लेटर लोड में क्या आएगा, नोशनल लोड प्लस विंड लोड, इन दोनों का सम आ जाएगा, ये पी एन टी सॉरी पी एल टी ये, और पी एन टी सिर्फ ग्रेविटी लोड्स आ जाएंगे. मतलब अगर मैं इसको यहाँ से बताऊँ, हाँ ये तो पी एन टी में क्या आएगा, पी एन टी में सिर्फ ये वाला वी ए आएगा, ये यहाँ पास है पी एन टी, ये यहाँ पास बस पी एन टी आ गया. पी एल टी में क्या आएगा, एल टी के लेटरल ट्रांसलेशन हो रही है वो इन दोनों वी ए का सम, ये जो ये विंड से आ रहा है और नोशन से आ रहा है वी ए, इन दोनों वी ए का सम वो हमारे पास पी एल टी है, ठीक है. पी एन टी हमारे पास पहले वाला वी ए था ग्रेविटी वाला बस, और पी एल टी हमारे पास वो नोशन और विंड से जो वी ए आए थे, वी ए क्योंकि हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन है, बी टू हमने जो निकाला है अभी अभी, और बस इससे पी आर आ गया. दूसरा काम करना है हमने एम आर एक्स, तो वो आएगा बी वन इंटू एम एन टी प्लस बी टू इंटू एम एल टी एक्स एक्स, क्योंकि सारे दोनों एक्स डायरेक्शन में. तो इसमें भी वही चीज़, जो ग्रेविटी में मूवमेंट ज़्यादा आ रहा था एम ए और एम बी में से वो हमने एम एन टी एक्स लेना है, और जो विंड प्लस नोशल इन दोनों में से जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हैं उनको ऐड कर देना है और साइन को इग्नोर करके, तो ये हमारे पास एम एल टी एक्स आ गया. अब इसको B2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको B1 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे B1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हमारे पास ये हमारे पास एन टी है नो ट्रांसलेशन, तो अगर हमारे पास ट्रांसलेशन होगी, अगर हमारे पास ये ट्रांसलेशन है ही नहीं, तो उसका क्या मतलब है कि कोई हमारे पास सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट आएगा ही नहीं,
तो यार बी वन आने नहीं चाहिए. ये बी वन बी टू क्यों आए हैं? ये आए क्योंकि सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट को हमने ये इनकॉर्पोरेट करने के लिए. ये हमारे क्वेश्चन में ना फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस तो हमने कर लिया था, सेकेंड ऑर्डर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने ये बी वन बी टू लगाए हैं. ये अप्रॉक्सीमेट मैथड है, असल में जो डायरेक्ट मैथड ऑफ एनालिसिस वो एग्जैक्ट होता है. तो सिंपल चीज है, बस यहाँ बी वन ही आना है बस. ठीक है, इससे हमारे पास ये दोनों आ गए अप्लाइड लोड्स बी आर और एम आर एक्स, सेकेंड ऑर्डर ये लोड्स हैं. तीसरा काम हमने करना है पी सी. तो पी सी हमारे पास है कॉलम की एक्सियल कैपेसिटी कंप्रेशन में, जिस तरह हम वो चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर के ख्याल से 3 में करते थे ना, जो एक्सियल कैपेसिटी थी तो वैसे करना है. तो इसके लिए हम जो कंप्रेशन कैपेसिटी आती है वो कैसे करते हैं, होते हैं हम सिंपल स्टैंडर्ड रेशियो निकालते हैं. वो कैसे आएगा, के वन एक्स इंटू एल एक्स ओवर आर एक्स, के वन वाई इंटू एल वाई ओवर आर वाई, और के टू एक्स इंटू एल एक्स ओवर आर एक्स. अब अगर के टू वाई भी होता तो के टू वाई इंटू एल वाई ओवर आर वाई, वो तो हमारे पास नहीं है, के टू वाई इंटू एल वाई ओवर आर वाई. तो ये हमारे पास नहीं, क्रॉस कर दिया. ये तीनों में से जो निकालो स्टैंडर्ड रेशियो जो बढ़िया है, सपोज करो ये आती है 30, ये आती है 45, ये आती है 25. क्योंकि ये सपोज करो, नहीं चलो ये के वन एक्स एल एक्स और आर एक्स, ये 30 है, ये हमारे पास 25 है, ये हमारे पास 45 है. ये एल वाई रिड्यूस हो गया ना, तो इससे ये कम वैल्यू आनी चाहिए स्टैंडर्ड रेशियो की. हालांकि आर वाई छोटा था मगर एल वाई काफ़ी कम हो गया. तो सपोज करो मैक्सिमम आ रही 45, तो जो हम आर लेंगे जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो हमारे पास आ जाएगा 45. अपर साइड पे राउंड ऑफ कर दो स्टैंडर्ड रेशियो. अब जो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास है डिजाइन स्ट्रेस फॉर कंप्रेशन मेंबर्स, ये 45 हमारे पास के एल वाई जो स्टैंडर्ड रेशियो है 45 है. इसके ऊपर फाइव सी एफ सी आर 202 आता है. तो हमने देखना है फाइव सी एफ सी आर इस स्टैंडर्ड रेशियो की क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, वो हमारे पास 202.1. तो फाइव सी पी एन जो एक्सियल कैपेसिटी है उसे हम पी सी भी कहते हैं, कह सकते हैं. वो क्या आता है, फाइव सी एफ सी आर इंटू एरिया ग्रॉस, ग्रॉस एरिया. तो फाइव सी एफ सी आर 202 है, एरिया ग्रॉस हमने ये पीछे जो हमने कर रहा है लिख लिया था उस टाइम, तो मैंने कहा था एरिया ग्रॉस भी लिख लेना, या वो ये हाँ ये एरिया ग्रॉस. तो एरिया ग्रॉस इंटू फाइव सी एफ सी आर कर दो तुम्हारे पास आ जाएगा ये. ठीक हो गया, ये हमारे पास पी सी आ गया. जो लास्ट हमारे पास है वो हमारे पास है एम सी, मूवमेंट कैपेसिटी. तो अब याद हो कि मूवमेंट जो हम बीम डिज़ाइन करते हैं ना उसमें 3 किस्से होते हैं. एक होता है हमारे पास ये, मैं डिजाइन ड्रा करूँ चार्ट, पहले ये प्लास्टिक रीजन आता है, इन इलास्टिक ये, और ये बाद में इलास्टिक बकलिंग. ये हमारे पास है ये रीजन, ये हमारे पास लेंथ होती है एल पी, ये पॉइंट, ये हमारे पास लेंथ होती है एल आर. तो अगर एल बी अनब्रेस्ड लेंथ लेस देन एल पी है, फर्स्ट केस कि ये जो हमारे पास ग्रीन वाला रीजन है इसमें एल बी लेस देन एल पी है, तो इस केस में ना जो हमारे पास फाइव बी एम एल जो मूवमेंट कैपेसिटी है वो फाइव बी एम पी के इक्वल होगी. जो प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी है उसके इक्वल जो नॉर्मल मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी आएगी, या डिज़ाइन मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी आएगी, वो सेम होगी. ठीक है, फर्स्ट केस कि एल बी लेस देन एल पी है. सेकेंड केस हमारे पास है वो मैं रेड से करता हूँ कि एल पी से एल बी ग्रेटर है मगर एल आर से कम है. ये जो रेड वाला पोर्शन है कि एल बी ये हमारे पास प्लास्टिक है, ये इन इलास्टिक बकलिंग और यहाँ पे इलास्टिक बकलिंग. तो अगर हमारे पास सेकेंड केस है कि एल पी से तो बड़ा है ये एल बी, एल बी इज ग्रेटर देन एल पी बट एल आर से वो छोटा है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ना वो सारा यहाँ पे गिवन है. यहाँ पर देखो ना, तो फाइव बी सी बी इंटू एम पी माइनस बी एफ इंटू एल बी माइनस एल पी, शायद एक मिनट कंफर्म कर देते हैं. तो यहाँ पर हाँ ये है, ये हमारे पास है फॉर्मूला यही. हाँ ठीक है, तो फाइव बी एम इसमें फाइव बी एम पी क्या आएगा,
sorry, 5b mn, 5b into cb into mp minus bf lb, unbreathed length minus lp plastic length. तो इसमें ये आएगा. अच्छा यहाँ पर जो वो फ्राम किया था कि cb क्या लेना है, यहाँ पे इस cb को 1.0 लेना है. यहाँ पे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं सर, कहते हैं वो एज्यूम कर 1 से. असल में तो जो एग्जैक्ट है वो 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, फिर वो हमने यहाँ पे पंखे में नहीं पढ़ना, हमें डायरेक्ट 1 लेना है. तो एम पी बी एफ एल बी ये सारे इन टेबल में गिवन है. जब मैंने कहा था ना कि यहाँ पे स्केल वगैरह रख लेना, जब भी एक कॉलम सिलेक्शन टेबल देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो बी एफ भी गिवन है, ये 5 बी एम पी भी गिवन है, और एल पी एल आर भी गिवन है. तो सारा कुछ यहाँ पर ना गिवन होता है. यहाँ से वैल्यू उठाओ, ये देख लो. थर्ड केस कि हमारे पास इलास्टिक बकलिंग हो रही है, ये कि जो हमारे पास अनब्रेस्ड लेंथ है वो एल आर से भी ग्रेटर है, तो हमारे पास उनकी इलास्टिक बकलिंग. तो इसके लिए लंबा सा फॉर्मूला है, ये देखो ना. तो वैसे फॉर्मूला छोटा ही है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फाइव बी एम एन के हमारे पास ये फाइव बी इंटू एस एक्स जो हमारे पास सेक्शन मॉडुलस है इंटू एफ वाई. असल में हमारे पास फॉर्मूला ये है, मगर वो उसमें ना फैक्टर्स काफ़ी ये उससे ना क्रिटिकल स्ट्रेस. हाँ ये तो असल में हम इसको ना ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें ना इसको ये वाला यूज़ करें फाइव सी एफ सी आर, ये वाला. इससे हम फाइव सी एफ सी आर निकालें, सॉरी ये एफ सी एफ आई नहीं एफ सी आर होता है, ये एस एक्स जो सेक्शन मॉडुलस है वो भी उस सेक्शन का उधर गिवन है इनटू एफ सी आर. अब जो लास्ट बकलिंग होती है उसका मतलब क्या होता है कि ये सेक्शन है हमारे पास ये एफ आई से पहले फेल हो जाएगा, बकल हो जाएगा, क्रश होने से पहले बकल हो जाएगा. तो ये लंबा सा फॉर्मूला है, इसको यूज़ करने के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, हम थोड़ा कंजर्वेटिव है. अगर ऊपर वाले पे जाओ तो वो बात थोड़ा सी ना एग्जैक्टली होती है. पहले एक कंजर्वेटिव वाला चेक कर लेंगे, कंजर्वेटिव से फेल हो रहा हो तो फिर एग्जैक्ट वाला ट्राई कर लेना, या तो उससे पास हो जाए, क्योंकि उससे ना वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आती है, तो सेक्शन की अदायगी वैल्यू. तो एफ सी आर क्योंकि उसमें ना ये कंजर्वेटिव में ये सारा फैक्टर उसने 1 एज्यूम किया है, कि इसको यहाँ सारा इग्नोर कर दिया है. असल में इसकी वैल्यू 1.1, 1.2 आ सकती है, तो एफ सी आर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. तो एफ सी आर इंटू सेक्शन मॉडुलस इंटू ये कैपेसिटी रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास डिज़ाइन कैपेसिटी आ जाएगी थर्ड केस के लिए. तो इस तरह ना हमने तीनों केसेस के लिए एम सी हमें चेक करना है, हमारा पहले लायक किस रीजन में कर रहा है, कि वो प्लास्टिक में है या इनलास्टिक में है या फिर ये इलास्टिक रीजन में. तो उसके मुताबिक हमने ना फॉर्मूला लगा के उसकी कैपेसिटी निकाल लेनी, ठीक है. इसमें कोई इशू, प्लास्टिक है, इन इलास्टिक है और इलास्टिक बकलिंग, इलास्टिक बकलिंग, इलास्टिक बकलिंग. इस तरह ना हमें तीनों से ना फॉर्मूला निकाल लेना है. जो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इंटरेक्शन इक्वेशन. इंटरेक्शन इक्वेशन सिंपली जो हमारे पास ये था पी आर वर्ड पी सी चेक करना है हमने, अगर वो लेस देन 0.2 है तो उसका फॉर्मूला लग गया, पी आर और पी सी अगर ग्रेटर इक्वल 0.2 है तो उसका फॉर्मूला लग गया, ठीक है. वो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ये देखो पी आर और पी सी ग्रेटर इक्वल 2 हो तो फिर ये यूज़ करना है, पी आर पी सी लेस देन 2 हो तो फिर उन्हें ये यूज़ करना है. 1 से कम आ रहा है तो ठीक है बच गए, फिर 1 से ज़्यादा आया चलो रिवाइज करो. फिर रिवाइज कहाँ से करना है, हमने यहाँ से दोबारा P1 से पीछे तक ना ये ट्रायल सेक्शन जो हमने लिया था ना, यहाँ से हमें दोबारा रिवाइज करना है. ट्रायल सेक्शन तो नहीं करना, इसके MX MY भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना, ये जो हम ट्रांजिशन फैक्टर B1 B2 इनको दोबारा करना है. सेक्शन क्या करना है, जो सेक्शन था उससे अगला वाला सेलेक्ट करो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और उसके फिर सारा चेक करो. अच्छा अगर ज़्यादा सारे फेल हो रहे हो तो फिर याद रखना कि जो इसके अंदर जो अगला सेक्शन सेलेक्ट करो ना, अगर उसमें देख लेना कि हमारे पास ना इसकी कैपेसिटी यहाँ पे देख लेना MRX कितना आ रहा है. सपोज को MRX हमारे पास आ रहा है 500, तुम्हें निकाल लेना 500. तो और तुम जब सेक्शन चेक करो ना, तो सेक्शन में कहाँ पे गया है, हाँ ये सेक्शन है. तो सेक्शन में जो 5B MP है ना,
वो 500 से ऊपर वाले लेना। यहाँ पर देखो 5 BMP तो बड़े वाले सेक्शन है ना, सपोज कर हमने सपोज कर पहले सिलेक्ट किया था वो ये सिलेक्ट, अगर सपोज कर ये सारे हम सिलेक्ट कर सकते हैं तो 5 BMP इसका ज़्यादा है, तो इसको प्रेफर पहले चेक करना क्योंकि बाकी वाले दोनों सेक्शन तो फेल होने ही होने हैं, तीन सेक्शन क्योंकि उनके तो मूवमेंट कैपेसिटी कम है प्लस उसके अंदर ये फॉर्मूला देखो ना ये यार ये दोबारा बताना है, लेस वाला चेक करना है या बड़े वाला चेक करना है उसके बाद अगर फेल हो जाए तो? अगर फेल हो जाए तो मूवमेंट तो मैंने निकाल लिया है MRX ना, असल में अगली बार हल्का सा मूवमेंट इसमें भी चेंज होना है क्योंकि B2 चेंज होगा ना अगली बार और B1 भी चेंज होगा, ये फैक्टर हल्के हल्के चेंज होंगे तो ये MRX दोबारा चेंज होगा मगर थोड़े बहुत वैल्यू सेम रहती है, अगर पहले 520 आ रहा हो तो अगली बार 505 आ जाएगा, कितना तो फर्क पड़ेगा। तो MRX तुमने सपोज करिए वाला लिया ER था 500 तो ये 465 वाला तो फेल होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला क्या है PR ओवर PC प्लस 8 ओवर 9 MRX ओवर MCX। तो अगर ये हमें पता है कि मूवमेंट ही कम है, इसका क्या मतलब है कि जो MRX वो है 515 और हमने ये 435 लिया है, 465 लिया हुआ, जो हमारा अप्लाइड मूवमेंट आ रहा है वो हमें पता है 500 स्पोर्ट पर 500 था, तो ये जो हमने कैपेसिटी ली है सेक्शन की वो हमने ली है 465, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन 1 नहीं होगा? तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है इसको इसका मतलब करो ये 0.88 तो यही आ जाएगा, तो इसका फैक्टर भी तो आना है, तो इसने ऑलमोस्ट 90% चांस है ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो PR और PC हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, काफ़ी एग्जिट लोड लग रहा है, ये 0.12 से तो ज़्यादा ही आएगा वैल्यू, तो इसको देखना ये ज़्यादातर ये कम अज़ कम एम, और वैसे भी देख लो तो ये यहाँ पास जो सेक्शन है वो LP से काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये वाली MPX भी रिड्यूस होगी उसकी कैपेसिटी, इलास्टिक कैपेसिटी तो नहीं आनी ना उसकी, फिर इलास्टिक कैपेसिटी आएगी या फिर इलास्टिक कैपेसिटी आएगी, तो ये मतलब वो कुछ इस तरह लिखा तो नहीं हुआ मगर मैंने जो देखा है तो ये इसको और करना ठीक है, इसमें कोई इशू? यहाँ पास है बीम कॉलम यार सेक्शन मतलब सिलेक्ट करने का थोड़ा सा बता दो कि मतलब वो एक तो अब 360, 310 और 225 में से देखने हैं ठीक है, अब वो कैपेसिटी जिसकी कम होगी वो देखें क्या जी, मतलब जिसकी जिसका वेट कम हो वो वाला सिलेक्शन सिलेक्ट करेंगे पहले ट्रायल के लिए। हाँ पहले ट्रायल के लिए मतलब तुम्हारे पास W360 × 250 भी आ रहा है और W310 × 101 आ रहा है, इसका सेटिस्फाई भी कर रहा है, W310 × 105 भी आ रहा है, तो पहले सिलेक्ट ये सेक्शन सिलेक्ट करना है 101 उसका वेट कम। अच्छा ये नहीं करता फिर इसके बाद, फिर इसके बाद इससे अगले वेट वाला इसी वाले में तो तुमने ना आगे ये 110 वाला करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 125 वाले पे आओ, ये उसका पता है हमें कि इसने भी वैसे फेल हो जाना, चेक करना ये भी फेल हो जाएगा 500 मूवमेंट हो ना, ये हमारे पास जो अनबेस्ड लेंथ है वो LP से ज़्यादा है उससे मूवमेंट कम होगा, ये MP तो नहीं आएगा, इसको देख ध्यान से। और ये LP कैसे निकालेंगे, LP अनबेस्ड लेंथ क्या जी, अनबेस्ड लेंथ कितनी वो किस लिहाज से देखेंगे, जो LB, LX और LY से बड़ा हो लार्जर, ये था 3 मीटर ये था 6 मीटर, तो 6 मीटर आ गया LB इनके लिए 6। अच्छा इनमें से जो बड़ी होगी वो अलग अलग करवाओ यार मुबीन, मैं बच्चों ने सवाल LP क्या होता था, प्लास्टिक, ये उससे पहले हमारे पास ना फुल प्लास्टिक कैरिंग, वो तो डायरेक्ट वैल्यूज आएंगी उसमें, लिए हमने डायरेक्ट 5B MP ये यूज करना, फिर LP से कम है ना
डायरेक्ट ये क्वेश्चन यूज कर लेने, कोई करने की जरूरत नहीं। सही है, कोई मसला अभी दो, वो जल्दी से पांच मिनट में वो देख लेते हैं ये बेस को, बेस प्लेट। तो सपोज करो एक मिनट मैं ये खोल लूँ, तो पास बेस प्लेट का क्वेश्चन था, हाँ बेस प्लेट का चैप्टर पता नहीं कौन सा था, मुझे मिला नहीं चैप्टर। बेस के जो फॉर्मूले हैं वो एंड में लिखे हुए हैं, फॉर्मूले देखो ना तो वो एंड में है यहाँ पर लास्ट में, पेज नंबर 311 पे, 331 सॉरी। ये बस बेस प्लेट के लिए ना फॉर्मूला लिखे हुए हैं, टीपी लिखा हुआ है इसका, एन डैश लिखा हुआ है, टीपी लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, और एक्स एन एन बी इनके लिखे हुए हैं, एरिया का भी बताया हुआ है, फॉर्मूले लिखे हुए हैं चैप्टर जो मर्जी बताओ। चलो सपोज फिर क्वेश्चन में जिस क्लास में क्वेश्चन करवाएगा, यहाँ पास स्पेस प्लेट है, उसके ऊपर आई सेक्शन है, आई सेक्शन हमारे पास 316 to 314, तो हमारे पास जो एक्सियल लोड है वो 5000 kN है, एफ सी डैश हमारे पास है 17 MPa, A2/A1 का रेशियो हमारे पास है, और जो हमारे पास सेक्शन गिवन है इससे ना हमें देख के इसके डी और बी निकाल लेंगे, डी और बी है इसका डेप्थ, वो पीछे टेबल से देख के 399 1 आर। ठीक है, ये हमारे पास सारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो अप्लाइड लोड है पी यू और फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड कर लेना है, जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, नीचे कंक्रीट का पैड है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ए टू और ए वन के जो एरिया का रेशियोज है वो कितना है, ये कंक्रीट का एरिया ओवर उसका एरिया है, और अगर टू से ग्रेटर हो तो हमें टू ही लेना होता है, टू से ज़्यादा नहीं हो सकती वैल्यूज, फाइव भी आ रही तो हमें टू लेनी है, और बाकी ये थी। ठीक है, ये हमारे पास सारा ना एक्सिली लोडेड कॉलम है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमने ना ए वन कैलकुलेट करना है, ये बेस प्लेट है ना इसके, चलो इसको ना इस तरह ड्रॉ करते हैं, हमारे पास बेस प्लेट है, इसके ऊपर ये कॉलम है, ठीक है, ये हमारे पास कॉलम है, तो ये नीचे कंक्रीट का पैड है, कंक्रीट का पैड का एरिया का हमारे पास है A2 इसका A1, सबसे पहले हमने बेस प्लेट का एरिया निकालना है, तो A1 हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है, A2 हमें पता है, A2 गिवन है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ो फिर छुट्टा होगा। ठीक है, तो A1 के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, तीन हमने चेक करने हैं, ये भी लिखे नहीं हुए उसमें क्वेश्चन में, देखो ना वो एलएफडी में देखो, इनको याद करना पड़ेगा, 1/A2 / 0.85 × 0.6, अगर मैं याद रखो तो ये सारा ना वो जो हमने कॉलम पढ़े थे सरकार ने पढ़ाए थे कि वो ये 0.85 उसका ये उसके लिए क्या नाम है टाइल्स के लिए, और 0.65 हमारे पास है जो 5C होता है कॉलम के लिए, एग्री लोड कॉलम यू हमारे पास वो A2 ये, तो ये चेक करना है, या फिर अगर हमारे पास A2 अगर A2 गिवन हो तो फिर हमने ये देखना है, ये फॉर्मूला लगाना है, अगर A2 नहीं गिवन रेशियो बताया हुआ है, A2 और A1 का रेशियो का रूट इंटू PU/0.85 × 0.65 FC-, तो ये वही चीज़ बस यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे स्क्वायर आता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके ना हमने पहले A1 के रेंट का लेने, दूसरा ये चीज़ बस क्या रिफंड करना है, PU/0.85 × 1.7 FC-, तो 1.7 का फैक्टर चेंज कर दिया 0.65 से, बस ये डिफरेंस किया है 0.65 × something, सॉरी उसे ना हमने एज्यूम कर लिया कि जो A2 है वो 2 है, सॉरी A2 और A1 का रेशो जो हमारे पास है वो 2 है, तो इसको जो 0.65 था वो सॉरी 0.85 था वो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 1.7 हो गया, 0.65 वैसे ही रहेगा, ये 5C है, 0.5C लिखो तो 0.65। तीसरा बस BF+18 E+18, इसका तो सब गैस इधर है कि यहाँ पर ना
PF plus 18, D plus 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे जो एरिया होगा वो आना चाहिए ज़्यादा। तो ये तीन हमारे पास फॉर्मूले, इनसे A1 आ जाएगा। सिंपल तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो लार्जर वैल्यू आएगी वो हमने ना यूज़ कर लेनी है, सिंपल। सेकंड काम क्या करना है हमने, जब भी एरिया डिसाइड हो गया, हमने इसकी ना ये बेस प्लेट का एरिया तो आ गया, अब हमने ना इसका बी और एन फाइंड करना है। ये बी क्या है और एन क्या है हमारे पास। अच्छा, जो हमारे पास सपोज करो उसने कहा हुआ है कि ये बेस प्लेट हमने स्क्वायर यूज़ करने हैं, तो फिर बी और एन अगर हमने सपोज करो कि बी एन फाइंड करना है हमने, तो सपोज करो पहला कैसे कि स्क्वायर बेस प्लेट है, बेस प्लेट तो बी और एन दोनों इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर है, क्या होंगे अंडर रूट ए। तो जो भी अंडर रूट ए करके वैल्यू आ रही होगी उसको राउंड ऑफ कर दो, तो वही हमारे पास पी और एन होगा। राउंड ऑफ ये ज़्यादा सारी वैल्यू आ रही होगी तो हमने टेन के मल्टीपल्स में करना है, 400-500 आ रही की वैल्यू होगी तो हमने 10 के मल्टीपल में करना। अगर हमें स्क्वायर बेस ना कहा हो, उसने कहा हो कि ये बिल्कुल मोस्ट इकोनॉमिकल या मिनिमम साइज, मिनिमम साइज मतलब मोस्ट इकोनॉमिकल, तो इसके लिए हमने ना एक्स फाइंड करना है, वो ये लिखा हुआ है। ए क्या होगा, ए वन एन रूट ए वन प्लस एक्स, और एन क्या होगा, ए वन एन रूट ए वन प्लस एक्स, और बी क्या होगा, ए वन ओवर एन। तो इस तरह ना हमने ये दूसरा हमारे पास केस, ठीक है। तो इससे हमारे पास ना बेस प्लेट की डायमेंशन आ जाएंगी बी और एन। तीसरा काम क्या करना है हमने, इसकी थिकनेस टी पी निकालना है। तो टी पी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ, ये टी पी का फॉर्मूला है, L into 2 PU, L into 2.9 FIB, ये यहाँ पास आ गया TP, L into 2 into PU over 0.9 FIBN, 0.9 FIBN PU सारा कुछ पता है हमें, L नहीं पता। L होगा मैक्सिमम M में से, N में से, एन डैश में से, इन तीनों चीज़ों में से। तो एन डैश क्या है, वो ये लिखा हुआ है, डी इंटू बी एफ कॉन रूट ओवर फाइव बाई फोर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये एन डैश। एम क्या होगा कि एम जो सर ने क्लास में बताया था कि एन माइनस 0.95 डी ओवर टू, एन होगा हमारे पास 0.95 डी, और एन होगा जीरो b माइनस 0.8 पी एफ बाई टू, ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारे पास ना गिवन नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये गिवन नहीं है हमारे, तो ये याद करने, इन तीनों में से जो बड़ी वाली वैल्यू आई वो हमने लेने नहीं है। एन डैश के 1/400 पी एफ डी, जो उससे भी बड़ी वाली वैल्यू होगी वो हमने एल लेनी है, और इससे हमें थिकनेस फाइन करनी है, ठीक है। जो भी फिर वो टी पी की छोटी वैल्यू आएगी तो फिर हमने ना उसको उसके मुताबिक राउंड ऑफ करना है, तो उसका 12, 15, 18, 20 इस तरह होता था ना, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 28, 30 इस तरह, जब 45 के बाद 5 का मल्टीप्लाई आता है 50, 55 इस तरह स्टार्ट, तो इस तरह हमने थिकनेस लेनी। लास्ट स्टेप है इसके अंदर वो हमने बेरिंग कैपेसिटी के, इसकी जो बेरिंग स्ट्रेंथ है वो है कि ठीक है ना, तो ये भी डायरेक्ट वो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला यूज़ कर, ये हमने वो उसमें ये पी एस टू में भी किया था, वो एक चीज़ है। 0.85 A1 A2 A1, और ए टू और ए वन का रेशियो हमेशा 2 से less than 2 होने या फिर दूसरे वन, तो इसको यूज़ करो, हमारे पास पेरिंग कैपेसिटी ले आएगी पी पी इज इक्वल टू 0.85 A1 A2 over A1 0.85 A1.7, मतलब अगर हमने इसको ए टू और ए वन को इक्वल टू 2 लिया, 2 × 0.85 1.7 होता है मैक्सिमम ना, उसको टू ज़्यादा फिर ये कवर करें।
तो इससे हमें पीपी निकालनी है, और ये जो पीपी आ रही है इसकी हमारे पास इसको हमें फाइव से मल्टीप्लाई करना है ना, ये अगर फाइव पीपी निकालनी तो ये डिज़ाइन कैपेसिटी आ रही है इसको ग्रेटर देन पीयू से होना चाहिए। ये शुरू में लोड गया था ना उसको ग्रेटर ग्रेटर देन है तो फिर ओके, अगर लेस देन है तो फिर हमें डिवाइस ये इधर पॉइंट से बस बेस प्लेट इतना सा है ठीक है। कोई मसला है इसमें? फिर एंड करें तो एंड नहीं करना यार, कंक्रीट का समझाओ कोई तो असल चीज है, ये तो हमें भी आता था। सुबह करेंगे, सुबह किसने देखी यार है? तो सुबह करवा देगा रोज तुम्हें, आज इसकी प्रैक्टिस कर लो।